शुभारंभ करें। तब तक हम सभी नारों के साथ गुंजायमान करेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। भारत माता की इस श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में, इस सभागार में आपका हृदय से अभिनंदन है, हृदय से स्वागत है। अब मैं आग्रह करूंगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री आदरणीय शिव प्रकाश जी, मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी से, और तमाम हमारे जितने भी वरिष्ठ नेता उपस्थित हैं यहां, भारत माता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चित्र पर पुष्प अर्पित करें। सभी से विनम्र आग्रह है, भारत माता की, भारत माता की। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे भोपाल की जान बिटिया फागुनी पुरोहित से, वे वंदे मातरम का यहाँ गान प्रस्तुत करेंगी, हमारी छोटी बहन फागुनी पुरोहित। भारत माता की। अब मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा से कि वे भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा साहब का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें, उनका अभिवादन करें, साथ ही पटका पहना करके उनका स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की। मैं निवेदन करूंगा प्रदेश के जननायक
लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान से वे भी भारतीय जनता पार्टी के सम्मान्य राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पुष्प गुच्छ भेंट करके पटका उड़ा करके उनका अभिवादन करें, स्वागत करें और इस बीच हम सब करतल धोड़ी से स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रदेश अध्यक्ष तथा माननीय मुख्यमंत्री जी से मध्य प्रदेश की एक स्मृति चिन्ह के रूप में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेंट करें। मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, लाडले मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान मिलकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 8 साल हमारे जो सुशासन के उसको लेकर के प्रतीक चिन्ह भेंट कर रहे हैं। अब मैं निवेदन करूंगा मंचासीन सभी हमारे वरिष्ठ जनों के स्वागत के लिए पार्टी के सभी प्रदेश पदाधिकारी क्रमशः आए और हमारे सम्मानीय अतिथियों का स्वागत करें। भाई रणवीर रावत जी प्रदेश महामंत्री आए, आदरणीय राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री श्रद्धेय शिव प्रकाश जी का पटका उड़ा करके स्वागत करें। प्रदेश के महामंत्री भाई हरिशंकर जी खटीक आए और हमारे प्रदेश के प्रभारी सक्रिय प्रभारी आदरणीय मुरलीधर राव जी का स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा प्रदेश के उपाध्यक्ष, हमारे प्रदेश के जो पदाधिकारी यहां बैठे हैं वे सीमा सिंह जी आप लोग स्वागत के लिए यहां आ जाएं। भाई कांतदेव सिंह जी वे आए और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करें। आदरणीय कांतदेव जी, श्री जीतू जी राती जी आए और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का स्वागत करें। श्रीमती सीमा सिंह जी आए और हमारी प्रदेश की सह प्रभारी ताई पंकजा मुंडे जी का स्वागत करें। श्री मुकेश सिंह जी आए और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी का स्वागत करें। श्री ब्रजराज सिंह जी चौहान आए और आदरणीय प्रहलाद सिंह जी पटेल का स्वागत करें। श्री पंकज जोशी जी आए और आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी का स्वागत करें। श्रीमती लता बानखेड़े जी आए, श्री ओम प्रकाश ध्रुवे जी का स्वागत करें। श्रीमती संगीता सोनी जी आए और श्री सुधीर गुप्ता जी का स्वागत करें। श्री राजेश पांडे जी आए और श्री लाल सिंह आर्य जी का स्वागत करें। श्री रजनीश अग्रवाल जी आए और भाई साहब वेदानंद जी का स्वागत करें। श्री श्याम महाजन जी आए और श्री जयभान सिंह पवैया जी का स्वागत करें। श्री योगेश ताम्रकार जी आए और श्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा श्री हरिशंकर जी खटीक आए और आदरणीय भाई साहब नरेंद्र सिंह तोमर जी का स्वागत करें। श्री आलोक शर्मा जी आए और श्री भूपेंद्र सिंह जी मध्य प्रदेश शासन के मंत्री उनका स्वागत करें। श्री क्षितिज भट्ट जी आए और बहन संध्या राय जी का स्वागत करें। भाई अनिल जैन जी आए और श्री राजेंद्र शुक्ला जी का स्वागत करें। अब मैं आग्रह करूंगा हमारी जो पिछली कार्य समिति की बैठक हुई थी उस बैठक के अनुमोदन के लिए कार्यालय मंत्री डॉक्टर राघवेंद्र जी आए जानकारी देंगे। तत्पश्चात प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त जी शर्मा पूरे सदन से अनुमोदन का आग्रह करेंगे। श्री डॉक्टर राघवेंद्र जी आए और पिछली कार्य समिति का व्रत रखें।
वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। ऐसे ही हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष जी ने पिछली कार्य समिति में जो प्रस्ताव रखे थे, और ये प्रस्ताव हम सबके सामने पिछले बार आए थे, मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समय इन प्रस्तावों का हम सबके माध्यम से अनुमोदन कराने की कृपा करें। हम सभी ओम की ध्वनि के साथ इसका समर्थन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री श्री हरिशंकर खटीक जी से, वे आए और पिछले कार्य समिति के पश्चात भारतीय जनता पार्टी ने देश ने प्रदेश ने बहुत कुछ खोया है उसकी जानकारी देंगे शोक प्रस्ताव के रूप में श्री हरिशंकर जी खड़ी। सम्माननीय श्रद्धेय मंच, मंच के सामने उपस्थित हमारे प्रदेश के सभी कार्यकर्ता साथी भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी मध्यप्रदेश की बृहद प्रदेश कार्य समिति में शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। प्रदेश के हमारे कार्यकर्ता साथी भाइयों, मैं आज आपके सामने कुछ महीने में अपने पार्टी के श्रेष्ठ ज्येष्ठ कार्यकर्ता साथी भाइयों को एवं उनके परिजनों को हमने खोया है, एवं कुछ प्रदेश के देश की सेवा में हमारे देश की सुरक्षा में लगे जवानों को भी हमने अपनों को खोया है, एवं कुछ अन्यों को भी खोया है। उन सभी के प्रति भारतीय जनता पार्टी परिवार शोक संवेदना व्यक्त करता है। उन सभी परिवारों ने जिन्होंने यह दुख झेला है उन्हें प्रभु शक्ति प्रदान करे, यह प्रार्थना है। हम उन सभी दिवंगत आत्मजनों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। ऐसे बंधु जिनका दुखद निधन हो गया है, उनमें हमारे वरिष्ठ नेता जिसमें जो मूलतः हमारे प्रचारक रहे और हमारे मार्गदर्शक के रूप में पूरे प्रदेश में जिन्होंने काम किया, स्वर्गीय भगवत शरण माथुर जी, जो 15 दिसंबर 2021 को हम सब लोगों के बीच से दुनिया से चले गए। पूर्व सह संगठन महामंत्री के रूप में भी उन्होंने मध्यप्रदेश में काम किया। इसके साथ साथ प्रांतीय संगठन महामंत्री हरियाणा के प्रदेश के संगठन के वो महामंत्री भी रहे। इसके साथ साथ स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, जिनको हम नन्ना जी के नाम से जानते थे, यह पूर्व मंत्री भी रहे और हमारे वरिष्ठ नेता भी रहे, वो आज हम सब लोगों के बीच में नहीं है। स्वर्गीय अमर सिंह जी, जो हमारे डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी भारत सरकार के मंत्री हैं, उनके एक पिताजी हैं, वो भी हम सब लोगों के बीच में नहीं है। इसके साथ साथ सम्माननीय स्वर्गीय बसंत गुप्ता जी, जो भारतीय जनता पार्टी भोपाल के वरिष्ठ नेता थे, आज हम सब लोगों के बीच में नहीं है। स्वर्गीय सुधीर जाकर जी, सम्माननीय श्रीमती बदना जावक जी के पति, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा के, ये भी हम सब लोगों के बीच में अब नहीं है। इसके साथ साथ स्वर्गीय संगीता जिरापी जी, 22 दिसंबर 2021 को, स्वर्गीय कुंज बिहारी तिवारी जी, स्वर्गीय 27 दिसंबर 2021 को, स्वर्गीय ठाकुर महेंद्र प्रताप सिंह जी तोमर, 28 दिसंबर 2021 को, स्वर्गीय श्रीमती सरजूबाई मीणा, 3 जनवरी 2022 को, स्वर्गीय चौधरी नारायण सिंह, 14 जनवरी 2022 को, स्वर्गीय श्रीमती रामश्री राव जी, 18 जनवरी 2022 को, 22 जनवरी 2022 को स्वर्गीय कांतिदेव सिंह जी देव, स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी ठाकुर, 25 जनवरी 2022 को, 17 फरवरी को स्वर्गीय श्रीमती राजकुमारी दुबे, 5 मार्च 2022 को स्वर्गीय श्रीमती सुभांगी भगत जी, 17 मार्च 2022 को स्वर्गीय किशन चौहान जी, 4 अप्रैल 2022 को स्वर्गीय केदारनाथ पारासर जी, 18 अप्रैल 2022 को स्वर्गीय नवीन शर्मा राजा जी, 6 मई 2022 को स्वर्गीय अभिषेक भूरिया जी, 9 मई 2022 को स्वर्गीय धीरज सिंह सिसोदिया जी, 10 मई 2022 को स्वर्गीय सविता परमार जी, और इसके साथ साथ प्रदेश एवं देश की सुरक्षा में लगे हमारे अनेकों जवान शहीद हुए हैं, और ऐसे भी कार्यकर्ता समाज से भी हैं जिनका नाम उल्लेख नहीं हो पाया है, उन सभी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। अब हम सभी आप सब लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि अपने स्थान पर 2 मिनट के लिए खड़े होकर के उन्हें हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और 2 मिनट का हम सब लोग मौन रखेंगे।
अब मैं आग्रह करूंगा, क्योंकि हमारी ये प्रदेश की कार्य समिति की बैठक है, एक हमारा राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत होगा। आप सबसे आग्रह है कि राजनीतिक प्रस्ताव में जो सुझाव आपके हों, माननीय अध्यक्ष जी आपको व्यवस्था देंगे, उसके अनुरूप आप उस सुझाव को दे सकेंगे। इस राजनीतिक प्रस्ताव के प्रस्तुतिकरण के लिए आग्रह है प्रदेश के महामंत्री भाई रणवीर सिंह जी रावत, वे आए और प्रस्ताव रखें। मेरा सभी कार्यकर्ताओं से एक अनुरोध है कि ये जो कार्य समिति की बैठक है, बेहद कार्य समिति है, यानी मंडल अध्यक्ष से लेकर के हमारे सभी कार्यकर्ता आज इस कार्य समिति में उपस्थित हैं। और हमारा सौभाग्य है, हम गौरवशाली है कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के हमारे नेता माननीय जेपी नड्डा जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज इस कार्य समिति में हमारे बीच उपस्थित है। इसलिए एक एक कार्यकर्ता को हम मंडल अध्यक्ष से लेकर के सभी पदाधिकारी पीछे से लेकर के सब कार्य समिति में पूरी तरीके से, अब हमें प्रस्ताव आएगा, प्रस्ताव पारित होगा, आगामी कार्यक्रमों की जानकारी मिलेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हमें मार्गदर्शन मिलेगा। तो एक कार्य समिति की बैठक है, इसलिए सभी कार्यकर्ता बिल्कुल मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हमको इस कार्य समिति में उपस्थित रहकर, हमने बृहद कार्य समिति एक नया प्रयोग किया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष जी के समक्ष ये लगना चाहिए कि मध्य प्रदेश जो पूरे भारत का एक आदर्श संगठन है, आज हम सब लोग उस अनुशासन के साथ इस कार्य समिति को करेंगे। इतना ही मेरा सभी लोगों से अनुरोध है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की आज की इस बृहद कार्य समिति में मंच पर विराजित भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पूरी धीरता, गंभीरता और दृढ़ता के साथ भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, जिनके कृतित्व और व्यक्तित्व में भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होता है, ऐसे हम सबके श्रद्धेय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के हमारे जुझारू कर्मठ और मध्य प्रदेश में संगठन को निरंतर मजबूती देने के लिए काम करने वाले हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, मध्य प्रदेश के हमारे कर्मयोगी जनप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी का सम्मानित सभी वरिष्ठ नेतृत्व, सामने बैठे हुए सम्मानित भाई और बहनों, साथियों, आज की इस कार्य समिति में हम सब अपने आप को गौरवशाली और गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। जब पहली बार हमारी नवगठित प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक वर्चुअल रूप से हमारी जब हुई थी, उस समय भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मार्गदर्शन हम सबको मिला था। आज हमारी तीसरी कार्य समिति की बैठक है, उसमें एक्चुअल रूप से आज हम जुड़ रहे हैं, लेकिन हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फिर हम सबको मार्गदर्शन, उनकी गर्वमयी उपस्थिति आज हम सबको यहाँ पर मिली है। ये कार्य समिति आने वाले समय में संगठन के तंत्र को और मजबूत करने के लिए, जन कल्याण के कार्यक्रमों को और गति देने के लिए आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगी। मैं स्वयं कार्य समिति की, हमारी कार्य समिति आज के अवसर पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन करती है, उनको वंदन करती है। भाई और बहनों, हमारे मध्य प्रदेश में संगठन ने तथे कुशाभाव ठाकरे जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर संगठन पर्व के रूप में संगठन के विस्तार के लिए दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम हमने हाथ में लिए थे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की इच्छा थी कि मध्य प्रदेश का हाथ बूथ मजबूत हो, उसका फिजिकली और डिजिटिकली उसका संगठन का निर्माण हो, इसके लिए मध्य प्रदेश में संगठन ऐप के माध्यम से 64,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर, 95% मतदान केंद्रों पर 13,00,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं का हमने संगठन हर मतदान केंद्र पर खड़ा करने का काम किया है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की हमारी प्रदेश कार्य समिति माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का अभिनंदन करना चाहती है कि उनके दृढ़ इच्छा शक्ति के आधार पर मध्य प्रदेश में हमने लाखों कार्यकर्ताओं की हर मतदान केंद्र पर एक मजबूत टीम खड़ा करने का काम किया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभियान था सशक्त बूथ, और हमारा
गौरवशाली हमारा मंडल इसको लेकर के मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी लगातार काम कर रहा है। दूसरा हमारा अभियान था कि संजय कुशवाहा भाव ठाकरे जी ने मध्य प्रदेश में आजीवन सहयोग निधि के रूप में राजनीति में स्वच्छता हो, आर्थिक स्वच्छता हो, उसको लेकर आजीवन सहयोग निधि का प्रारंभ किया था। उसको व्यापक रूप देते हुए समर्पण निधि के रूप में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने हमने 60,000 से ज्यादा बूथों पर 6,00,000 कार्यकर्ताओं से 100-100 रुपए और 2,00,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं से 500 और उससे अधिक राशि लेकर के मध्य प्रदेश के लाखों लाख कार्यकर्ताओं ने सच्चे रूप में श्रद्धेय कुशवाहा भाव ठाकरे जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। भाई और बहनों, पिछले 5-6 महीने से हम जानते हैं मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर के, मध्य प्रदेश के हितों की बात को लेकर के कांग्रेस ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में अपनी कुटिल चालें चलकर, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपने तरह तरह की भ्रामक जानकारी दे देकर के मध्य प्रदेश के पिछड़े वर्ग को आरक्षण से मुक्त करने का जो पाप किया था, मध्य प्रदेश की हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश में हम बिना पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के चुनाव नहीं होने देंगे। आपको याद होगा जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया था, मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग का आरक्षण समाप्त हो गया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की और भारतीय जनता पार्टी के हमारे संगठन की जो मजबूत प्रतिबद्धता थी कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिला करके स्थानीय निकाय के चुनाव कराने का काम करेंगे और वो आरक्षण हमने वापस लिया है। आप सब जानते हैं कितने परिश्रम के बाद में मध्य प्रदेश में फिर पिछड़े वर्ग के लोगों का आरक्षण बहाल हुआ है। इसके लिए मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सांसदी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का बार बार अभिनंदन करती है, उनका स्वागत करती है। भाई और बहनों, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार ने भारत सरकार के जितने भी जन कल्याण के कार्यक्रम हैं, मैं उसको ज्यादा उल्लेख में नहीं जाऊंगा क्योंकि समय कम है, हर कर कार्यक्रम की योजना में मध्य प्रदेश में भारत सरकार की योजना को सबसे पहले मध्य प्रदेश पर जमीन पर उतारने का काम किया है। मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार की हर योजना जमीन पर उतरे, मध्य प्रदेश का विकास हो, इसकी भूख उसकी तरफ हमारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनकी सरकार में दिखाई देती है। चाहे मुख्यमंत्री के जी के माध्यम से भारत आयुष्मान कार्ड की हम बात करें, प्रधानमंत्री स्वधी नीति योजना की बात करें, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, लगातार जितनी केंद्र की योजना है, मध्य प्रदेश देश का वो राज्य है जहाँ केंद्र की सरकारों को सबसे पहले असली जवाब पहचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार करती है। भाई और बहनों, मैं ज्यादा इसके विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मध्य प्रदेश का वो दौर हमको याद है, 2003 के दौर जब मध्य प्रदेश बर्बाद हो गया था, मध्य प्रदेश दिवालिया हो गया था, उस मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था थी वो बर्बाद हो गई थी। उस मध्य प्रदेश को आबाद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में मूलभूत सुविधाओं का जो धरातली प्रयास किया, सिंचाई के संसाधन बढ़ाने का काम किया, हमारे उद्योग क्षेत्र के लिए अनुकूल वातावरण पैदा करने का काम किया, प्रदेश में कानूनी व्यवस्था का राज्य स्थापित करने का काम किया, इसके आधार पर आज मध्य प्रदेश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो देश में सर्वाधिक है। आज हम पिछले वर्ष 21-22 की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की जो विकास दर है वो 19.7% है, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। ये मध्य प्रदेश की हमारी सरकार ने जमीनी स्तर पर जो काम किया है उसका ये परिणाम है। भाई और बहनों, कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की सरकार लगातार किसानों के हित में लगातार काम करती रही है। मध्य प्रदेश की सरकार की प्राथमिकता में हमेशा किसान रहा है और इसलिए मध्य प्रदेश में सिंचाई के संसाधन बढ़ाने को लेकर, बिजली का उत्पादन बढ़ाने को लेकर, किसानों को 0% ऋण देकर और संबल योजना के माध्यम से किसानों को लाभ देकर के मध्य प्रदेश में जो रिकॉर्ड उत्पादन हमारा बढ़ा है उसका परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश में हमारा रिकॉर्ड उत्पादन के साथ साथ पिछले 2 वर्षों में हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से, फसल उपार्जन के माध्यम से, फसल हानि राहत के माध्यम से, बिजली सब्सिडी के माध्यम से 2 वर्षों में 2,00,000 करोड़ से अधिक की राशि किसानों के खाते में डालने का हमने काम किया है। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, किसानी हितैषी सरकार, इसका उदाहरण हमारे सामने है। हम अधोसंरचना की बात करते हैं, सड़क की बात करें, सिंचाई की बात करें, पेयजल की हम बात करें, इन सारी योजनाओं में मध्य प्रदेश ने पिछले 2 वर्षों में जिस गति से काम किया है वो हम और आपके सबके सामने है। भाई और बहनों, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये मानती है कि हम सड़कों से, सिंचाई के संसाधनों से लोगों की संतुष्टि नहीं कर सकते और मध्य प्रदेश की सरकार ने
वो इस प्रकार के समाज कल्याण के वो काम की है जो कोई सरकार नहीं कर पाई है। चाहे हम मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना की बात करें, जिसके माध्यम से इस योजना को कमलनाथ की सरकार ने बंद कर दिया था, लेकिन आज फिर माननीय मुख्यमंत्री ने उसको दोबारा प्रारंभ करके इस पूरे प्रदेश में हमारे जो वृद्ध माता पिता हैं, जो तीर्थ दर्शन यात्रा की इच्छा करते हैं, उनको दोबारा उस यात्रा के माध्यम से तीर्थ यात्रा कराने का शुभारंभ हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। लाली लक्ष्मी योजना 0.2 का शुभारंभ अभी हाल में माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। लाली लक्ष्मी योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश में 23 लाख हमारी लाली लक्ष्मी बेटियां हैं। अभी हाल ही में लाली लक्ष्मी उत्सव पूरे प्रदेश में मनाया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस अवसर पर लाली लक्ष्मी योजना 2.0 का दोबारा शुभारंभ करते हुए उन्होंने घोषणा की है कि हमारी लाली लक्ष्मियां 12वीं पास करके आगे कक्षा में प्रवेश लेगी, उनको 25,000 रुपये की राशि 2 किस्तों में देने का हम काम करेंगे। लेकिन मानी भाई और बहनों, इस लाली लक्ष्मी योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश में जो एक परिवर्तन हुआ है, 1,000 की संख्या पर जो बेटियों की संख्या हमारी जो लिंगार पर हमारी बढ़ोतरी हुई है, 1,000 पर 912 बेटियां मध्य प्रदेश में होती थी, लेकिन लाली लक्ष्मी योजना और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का ये आधार था कि आज हम 1,000 पर 956 बेटियां आज हमारे मध्य प्रदेश में पैदा हो रही हैं। ये हम सबके लिए गर्व की बात है। संबल योजना का दोबारा हमने शुभारंभ किया है। आप सब जानते हैं जब किसी परिवार पर संकट आता है, असमय परिवार के कमाने वाले मुखिया की जब मौत होती है तो उसके ऊपर क्या विपत्ति आती, इसको ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबल योजना मध्य प्रदेश से प्रारंभ की थी, इसको कमलनाथ ने बंद कर दिया था। लेकिन 2 वर्षों में जितनी घटनाएं घटी उसको इकट्ठा करके 17,000 से ज़्यादा 27,018 पदों को इकट्ठा करके 573 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री ने संबल योजना के माध्यम से देकर के उन पीड़ित परिवारों को, दुखी परिवारों को देकर के उनको संबल देने का काम किया है। भाई और बहनों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से हम प्रत्येक व्यक्ति को 10 किलो का राशन प्रतिमाह 7 तारीख को मध्य प्रदेश को देने का काम करते हैं। इस योजना का माननीय प्रधानमंत्री ने शुभारंभ किया था और ये मध्य प्रदेश में हम प्रतिमाह इसको 7 तारीख को इसको मनाने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने राशन आपके गांव के माध्यम से मध्य प्रदेश के 20 आदिवासी जिलों के 89 आदिवासी विकासखंडों में इस योजना को घर घर राशन पहुंचाने के लिए एक नई योजना का प्रारंभ किया है। इसके माध्यम से हम लगातार काम कर रहे हैं कुपोषण को समाप्त करने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी नया अभिनव प्रयोग किया है, अभी स्वयं उन्होंने भोपाल में हाथ ठेला चला करके आंगनबाड़ियों के माध्यम से सहयोग करके कुपोषण को समाप्त करने का जो अभिनंदनीय प्रयास किया, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उनका अभिनंदन करने का काम करती है। हम लगातार, मैंने कहा कि बहुत सारे संगठन के और सरकार के हमारे विकास की गाथा से हमारे राजनीतिक प्रस्ताव में है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि चूंकि समय की अपनी मर्यादा है, आप सब उसका अध्ययन करें, उसको पढ़ने के बाद में आपको लगता है यदि कोई इसमें संशोधन करने की आवश्यकता है तो उसको सुधार करने का काम करेंगे। लेकिन भाई और बहनों, जहाँ केंद्र में और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहाँ जन कल्याण के लिए दिन रात काम कर रही है, विकास के लिए दिन रात काम कर रही है, हमारे भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सेवा ही संगठन के माध्यम से समाज कल्याण के जो नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, भाई और उसी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी आंखों से बाज नहीं आ रही है। अपनी राजनीतिक चोटियां सेकने के लिए मध्य प्रदेश में लगातार सांप्रदायिक माहौल खराब करने का काम कर रही है। गलत प्रकार के जो हमारे प्रदेश में दंगे हो रहे हैं, बंगे हो रहे हैं, उसमें कांग्रेस के लोग सम्मिलित है, उन घटना को कांग्रेस सदस्य करने का काम कर रही है। इसलिए आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के हम सब कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो 8 वर्ष का कार्यकाल है, शासन और जो सुशासन और गरीब कल्याण के कार्यक्रम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संकल्प करता है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार करने के लिए हम सब संकल्प होकर के उसको पूरा करने का काम करेंगे। एक बार आप सबका अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई रणवीर जी। अब मैं इस राजनीतिक प्रस्ताव के समर्थन के लिए आग्रह करूंगा सांसद और अनुसूचित जनजाति मोर्चे के राष्ट्रीय महासचिव भाई गजेंद्र सिंह जी पटेल आए और इस प्रस्ताव का समर्थन करें। आज की इस वृहद भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति में
विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, मध्य प्रदेश के जननायक आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, संगठन पर्व के सूत्रधार मध्य प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, मंच पर उपस्थित हमारे प्रभारी, हमारे सभी राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेशों के सभी हमारे पदाधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित, मध्य प्रदेश के आए हुए सभी जिलाध्यक्ष और संगठन के सभी प्रमुख कार्यकर्ता बंधुओं, मुझे राजनीतिक प्रस्ताव पर समर्थन के रूप में बोलने का अवसर प्रदान हुआ है। राजनीतिक प्रस्ताव किसी भी दल का एक आईना होता है उसके विचारों का, और उस विचारों के अनुरूप काम करने वाला संगठन और सरकार में हमें किस प्रकार से हम काम कर रहे हैं उसके बारे में पूरा खाका हमको बताया जाता है। मैं अनुसूचित जनजाति वर्ग से आता हूं। मध्य प्रदेश की सरकार ने इतनी सारी योजनाएं मध्य प्रदेश के जनजाति वर्ग के लिए लागू करी हैं, जिसमें कहा जा सकता है कि देश की, हमारे झारखंड के, हमारे क्रांतिवीर भगवान बिरसा मुंडा जी के नाम से कई बार कई हमारे संगठनों ने मांग करी कि हमारा कुछ ना कुछ गौरव दिवस होना चाहिए। और मैं मध्य प्रदेश की पावन भूमि है जहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी के नेतृत्व में, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनजाति वर्ग के लिए, जनजाति समाज के लिए गौरव दिवस घोषित हुआ और 15 नवंबर को विशाल सम्मेलन अगर कहीं जगह संपन्न हुआ तो भोपाल की धरती पर संपन्न हुआ है। ये जनजाति वर्ग के लिए सम्मान की बात है। मध्य प्रदेश की सरकार ने, यह सरकार, ये संगठन सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए काम करने वाली सरकार है। जिस प्रकार से जनजाति वर्ग के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण योजना, जहाँ पर इस मध्य प्रदेश के 1,37,00,000 परिवारों को और 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को अगर 5 किलो प्रति हितग्राही अनाज देने की योजना बनाई है। जनजाति वर्ग के 20 जिले हैं, 20 जिलों में शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे 37 ब्लॉक हैं जहाँ पर आवासीय विद्यालय खोलकर उनकी शिक्षा उन्नत बने, वो शिक्षित और रोजगार को प्राप्त करें। और इस प्रकार से उचित मूल्य की दुकान जहाँ पर भीड़ लगी रहती थी उसको सुलभ बनाने के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने बहुत अनूठी पहल करी है। ये देश भर में ऐसा पहला उदाहरण है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने जनजातियों के घर में शासकीय उचित मूल्य की गाड़ी जाए और उस गरीब के घर में अनाज मिल पाए। इस प्रकार से चलित परिवहन योजना अगर किसने लागू करी तो मध्य प्रदेश की सरकार ने जनजाति वर्ग के लिए लागू करी। साथियों, जनजाति वर्ग के लिए हमारा इंदौर में हमारे बिरसा मुंडा जी के नाम से चौराहा हुआ, शहीद भीमा नायक के नाम से हमारे शासकीय महाविद्यालय घोषित किए गए, जनजाति क्रांतिवीरों के नाम से मध्य प्रदेश की सरकार ने ऐसे अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए जिससे हमारी भारतीय जनता पार्टी के विचारों को, हमारी करनी और कथनी को जो देखने में आता है, यह सच्ची श्रद्धांजलि है हमारे जनजाति क्रांतिवीरों के प्रति कि मध्य प्रदेश की सरकार, देश की सरकार अगर गरीबों के कल्याण के लिए काम करती है तो जो सबसे पिछड़ा है, जो पहाड़ों और जंगलों में रहता है, जो वनों और गिरिवासियों में रहता है जनजाति समाज, उसके विकास के लिए मध्य प्रदेश की सरकार, देश की सरकार काम करती है। आज के इस राजनीतिक प्रस्ताव में मध्य प्रदेश की सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, समय भी कम है, परंतु प्रस्ताव में एक बहुत महत्वपूर्ण बात उसमें दर्शाई गई है। खरगोन बड़वानी लोकसभा से मैं सांसद हूँ। खरगोन में पिछले दिनों में रामनवमी पर वहाँ पर पत्थरबाजी की गई, सेंधरा की जगह जहाँ पर राम जी के जुलूस पर पत्थरबाजी की गई। हमारा ऐसे मध्य प्रदेश के 2-3 स्थान हैं, परंतु हम यहाँ पर सुशासन की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश के संगठन से बात करने के बाद मध्य प्रदेश की सरकार ने जो दंगाई थे 24 घंटे के अंदर सुशासन की परिभाषा दंगाइयों को सिखाने में मध्य प्रदेश की सरकार तटस्था से खड़ी रही, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की ये स्पष्ट रणनीति है। और इसलिए आज के इस राजनीतिक प्रस्ताव में सेंधवा और खरगोन की घटना सबको मालूम है, और इसलिए मैं आज इस राजनीतिक प्रस्ताव में हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय रणवीर सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं पूरे सदन से आग्रह करता हूँ कि इस प्रस्ताव का समर्थन करें। और मैं भी इस राजनीतिक प्रस्ताव का पूरे जनजाति समुदाय से, समाज के सभी वर्गों की ओर से उसका बहुत पूर्ण समर्थन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद जय मध्य प्रदेश। धन्यवाद भाई गजन जी। अब मैं आग्रह करूंगा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के उपाध्यक्ष चौधरी मुकेश सिंह जी चतुर्वेदी जी आए और इस राजनीतिक प्रस्ताव का भी समर्थन करें। संपूर्ण विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अपने छात्र जीवन से विचार के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय परम श्रद्धे श्री जगत प्रसाद नड्डा जी, मध्य प्रदेश के ऊर्जावान यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, मध्य प्रदेश के जननायक और जनता में जिनका एक अपना स्थान है, ऐसे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धे आदरणीय जी शिवराज सिंह चौहान जी, मंच पर उपस्थित सभी हम सबका नेतृत्व, वरिष्ठ नेतृत्व जिनका मार्गदर्शन हम सबको मिलता है, उपस्थित प्रदेश के पदाधिकारी माननीय मंत्रीगण एवं देवतुल्य कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, मैं यहाँ जो राजनीतिक प्रस्ताव हमारे महामंत्री आदरणीय रणवीर सिंह जी ने रखा है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय अध्यक्ष जी को ये मैं बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के संगठन ने जिस तरह से बूथ स्तर तक कार्यकर्ता को जीवित और जीवंत किया है, ये आगामी 23 और 24 के चुनाव में इस कार्य का परिणाम परिलक्षित होगा। हम सब ने बड़े श्रद्धा भाव और बहुत मेहनत से नेतृत्व के मार्गदर्शन में बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता को, जिसको मैं अपनी भाषा में जब अपन कोई पुनीत कार्य करते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, तो हम स्थान देवता को जगाने का काम करते हैं। तो ये मध्य प्रदेश के संगठन ने जो हमारे त्रिदेव हैं, चाहे वो बूथ के अध्यक्ष हों, बूथ के महामंत्री हो, बूथ के बीएलए, इन सबको जागृत करने का काम किया। इन सबको जो हमारे स्थान देवता हैं, अगर वो प्रसन्न रहेंगे तो पार्टी जो हमारा मूल मंत्र है कि जीतेंगे बूथ तो जीतेगी भाजपा, इस मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए नेतृत्व ने नीचे के सभी कार्यकर्ताओं को जागृत किया है, प्रत्येक कार्यकर्ता को काम दिया है और प्रत्येक कार्यकर्ता कहीं ना कहीं पार्टी के विचार से पूर्ण रूप से मनः स्थिति से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश की सरकार इस सब में पार्टी का जो विचार है उस विचार के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री जी प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक समाज का ध्यान रखते हुए काम कर रहे हैं। ये सब हमारे प्रस्ताव में वर्णित है, आप सब को प्रस्ताव मिलेगा, उसको आप पढ़ेंगे। लेकिन कुछ योजनाएं हैं, जैसे कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे कांग्रेस की तरफ से, तो उन्होंने जितनी भी गरीब कल्याण की योजनाएं थी वो बंद कर दी। और मैं साधुवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, तो उन्होंने कमलनाथ का नाम बदल कर बंदनाथ कर दिया, कि जिन्होंने सारी योजनाएं बंद कर दी, ऐसे नाथ बंदनाथ। सारे गरीब कल्याण की योजनाएं जिन्होंने बंद कर दी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनः सत्ता संभालते हुए सारी योजनाएं पुनः चालू की। आज गरीबों में निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए, हमारे संगठन के लिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के लिए, हमारे संपूर्ण नेतृत्व के प्रति एक सादर और आदर का विचार उनके मन में परिलक्षित होता है। गरीब के घर में बिटिया के पैदा होने से लेके बिटिया के विवाह तक, और गरीब के घर में उसकी जन्म से लेके और उसके अंतिम संस्कार तक का ध्यान माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार और माननीय भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार रखती है। चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, योजनाओं का वर्णन 150 योजनाएं हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर वर्ग के लिए, हर आयु वर्ग के लिए, समाज के प्रत्येक हिस्से के लिए, प्रत्येक समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए कोई ना कोई योजना संचालित की है और उसका लाभ हर वर्ग को मिल रहा है, चाहे वो छात्रों की हो,
छात्रों के लिए मेधावी छात्र योजना हो, मध्य प्रदेश की सरकार छात्रों का स्कूल के उपरांत उच्च शिक्षा की पूरी गारंटी मध्य प्रदेश की सरकार लेती है। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की मेधावी छात्र योजना बहुत लोकप्रिय योजना है और आज छात्रों में बेहद लोकप्रिय है। छात्र उसके प्रति कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रदर्शित करते हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो टीम है, जो कंधे से कंधा मिलाकर संगठन और सरकार काम कर रही है, निश्चित रूप से हम सब आगामी 23 और 24 के चुनाव में, अभी लोकल गवर्नमेंट के चुनाव तो हम जीतेंगे, मैं आपको आश्वस्त, हम सब आश्वस्त करते हैं माननीय अध्यक्ष जी आपको कि ये तो चुनाव हम सब जीतेंगे, लेकिन उसके उपरांत इन योजनाओं के सहारे और प्रदेश के संगठन की टीम के सहारे जो बूथ तक हम लोगों ने डेवलप की है, उस योजना उन योजनाओं के सहारे और बूथ की टीम के सहारे हम प्रत्येक चुनाव आपको जीत कर देंगे माननीय अध्यक्ष महोदय। और कभी आपको इस मध्य प्रदेश का संगठन और मध्य प्रदेश की सरकार राष्ट्र के नेतृत्व को कभी निराश नहीं होने देगी। ये आश्वासन एक प्रदेश में पदाधिकारी होने के नाते मैं संगठन की ओर से आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस एक विघटनकारी शक्ति के रूप में अपने आप को डेवलप कर रही है। कांग्रेस अपने आप को एक विघटनकारी शक्ति के रूप में डेवलप कर रही है। उनके नेता चाहे कमलनाथ हो चाहे दिग्विजय सिंह हो, उनका एक ही काम है समाज को कैसे विघटित करना, विघटित करके समाज से कैसे लाभ लेना। भारतीय जनता पार्टी समरसता के भाव से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, माननीय मोदी जी के इस भाव के से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपना कार्य, अपना ध्येय पूर्ति में लगा हुआ है। और मैं आप सबको आश्वासित करता हूँ और उम्मीद करता हूँ और आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप सब अपने मनोयोग से इस प्रस्ताव का समर्थन करें। धन्यवाद। जय हिंद। ये राजनीतिक प्रस्ताव हमारी बृहद कार्य समिति में आदरणीय रणवीर जी ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समक्ष, पूरे सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। हमारे दोनों प्रस्तावक और समर्थकों ने आज इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। तो मैं पूरे सदन से, जो हमारी बृहद कार्य समिति है, मैं आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव राजनीतिक हमारे सामने आए, आपको मिला है, उस प्रस्ताव को हम पढ़ेंगे भी, पढ़ा भी होगा, जो भी संशोधन होंगे वो आप संशोधन पेटी में भी डालेंगे और आप मेल के माध्यम से और व्हाट्सएप से भी भेजेंगे, जो प्रदेश कार्यालय की व्यवस्था के अनुरूप। तो उसमें जो आवश्यक संशोधन होंगे, उन संशोधनों को करके फाइनल प्रस्ताव को हम आज उस प्रत्यक्ष में क्यों संशोधन के साथ हम प्रस्ताव को सभी लोगों तक पहुंचाएंगे। मैं पूरे सदन से अनुरोध करता हूं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष, पूरे नेतृत्व के समक्ष जो प्रस्ताव आया है, इस प्रस्ताव को हम आज ओम की ध्वनि के साथ पारित करके मध्य प्रदेश के अंदर हम इस प्रस्ताव को पारित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। राजनीतिक प्रस्ताव के बाद मैं आग्रह करूंगा, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के संगठन के शिल्पी, प्रदेश के संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद जी भाई साहब से कि वे पार्टी द्वारा आयोजित आगामी कार्यक्रमों की रचना आपके मध्य में रखेंगे। आदरणीय हितानंद जी, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की बृहत कार्य समिति में भाग ले रहे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से सांसद आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान, सम्माननीय मंच एवं कार्य समिति में भाग ले रहे सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, हम सब कार्यकर्ताओं के लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारे अध्यक्ष जी हमारे बीच हैं, उनका मार्गदर्शन सबको प्राप्त होगा। जिस विषय की चर्चा राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक से लेकर हर बैठक में हो रही है, ऐसा जो कार्य हम सब कार्यकर्ताओं ने किया है प्रत्येक ठाकरे जी के शताब्दी वर्ष में, हमने जिसको संगठन पर्व के रूप में मनाया और बूथ के सशक्तिकरण को लेकर बूथ विस्तारक अभियान हमने लिया, जिसमें 21,403 कार्यकर्ताओं ने अपना समय दिया। बहुत कठिन समय था, बहुत सर्दी थी और कोरोना की तीसरी लहर का भी
प्रभाव शुरू हो गया था उसके बीच भी कार्यकर्ताओं ने समय दिया और 95% बूथों का फिजिकल और डिजिटल वेरिफिकेशन करते हुए लगभग 13 लाख कार्यकर्ताओं का फीडिंग हमने किया है। और साथ ही समर्पण निधि के रूप में हम सब कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ तक गए और बूथ स्तर के 60,948 बूथों पर जाकर 100 रुपये की राशि वहाँ के कार्यकर्ताओं से लेकर लगभग 6,26,471 कार्यकर्ताओं तक पहुँचे। उसी प्रकार 500 या उससे अधिक राशि की अधिक राशि हम लगभग 1,79,300 लगभग 1,80,000 लोगों तक लेने गए। इस समय सब कार्यकर्ताओं ने जो अथक प्रयास किया, जैसा मध्य प्रदेश की पहचान पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी में है, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत साधुवाद। हम सब केंद्र सरकार के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 8वें वर्ष में प्रवेश किए हैं। 30 मई 2019 को श्रद्धेय मोदी जी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और पिछले 5 वर्ष पूर्व के ऐसे 8 वर्ष हमने सेवा के, सुशासन के और गरीब कल्याण के रूप में कार्य किया। वह समाज के जन जन तक पहुंचे, इस नाते से हमने एक अभियान लिया है जो परसों से प्रारंभ हुआ है। इसके 2 कार्यक्रम हो गए हैं, शेष कार्यक्रम कल से प्रारंभ, अपने आज की कार्य समिति के कारण उसको कल से प्रारंभ करने की योजना है कि हम सब कार्यकर्ताओं ने आजादी के 75 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं तो सभी कार्यकर्ताओं ने 75 घंटे यानी 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक प्रतिदिन 5 घंटे, किसी दिन कम दे पाते हैं तो उसको अगले दिन जोड़कर ऐसे 75 घंटे हमारे मोर्चों के आधार पर किसानों की दृष्टि से, महिलाओं की दृष्टि से, युवाओं की, अनुसूचित जाति जनजाति ऐसे सभी वर्गों की दृष्टि से, शहरी गरीब, अंत्योदय या वैक्सीनेशन के क्षेत्र, चिकित्सा के क्षेत्र में इस प्रकार से जो पार्टी ने विकास किए हैं ऐसी सभी योजनाओं को लेकर 75 घंटे हमें संपर्क के नाते बूथ से लेकर विभिन्न लाभार्थियों तक हम सबको जाना है। तो हम सब कार्यकर्ता कल से ही अपने कार्य क्षेत्र में पहुंचकर प्रतिदिन 5 घंटे न्यूनतम देने की रचना करेंगे। जो दिन हम बीच में नहीं दे पाए उसको जोड़कर हम आगामी योजना की दृष्टि से जो 8 वर्ष का हमारा अभियान है सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण, उसमें हम सबकी भूमिका तय हुई होगी, जिसकी जानकारी मैं आपको पूर्व के सत्र में भी मैंने विस्तार से हमारे जीतू जितार्टी जी ने दी थी। इन सब में हम कार्यकर्ताओं की भूमिका सुनिश्चित हुई है। हम सबको मालूम है कि 2 वर्षों से हम जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हुआ है तो प्रत्येक 21 जून को समाज के विभिन्न वर्गों को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी योग दिवस में अपनी भूमिका निभाती है। 2 वर्षों में कोरोना के कारण सार्वजनिक कार्यक्रम सांकेतिक हुए हैं। यह कार्यक्रम भी हम पार्टी और मोर्चा मिलकर प्रत्येक जिले में 75 स्थानों का भी लक्ष्य लेना है और सामाजिक, धार्मिक, पुरातत्व और पर्यटन आदि की दृष्टि से जो हमारे जिले में, हमारे प्रदेश में स्थान है, उन स्थानों पर सामूहिक रूप से योग की योजना करें। 21 जून को योग दिवस पुनः जैसा हमने 2015 में प्रारंभ किया था समाज के साथ, वह कार्यक्रम सूचनाएं सब आयुष मंत्रालय द्वारा जो निर्धारित है उसको हम पालन करेंगे। सरकार के द्वारा जो सूचनाएं आती हैं उसकी बुकलेट आती है, इसमें हम सब पार्टी के स्तर पर सभी कार्यकर्ता, मोर्चे, प्रकोष्ठ अपनी भूमिका निभाएं। एक नारा हम भारतीय जनता पार्टी जनसंघ जब था 1953 से लगा रहे हैं, एक देश में 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान नहीं चलेंगे। इस विधान धारा 370 की मुक्ति के लिए
हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी का बलिदान हुआ 23 जून 1953 को। वह बलिदान दिवस का कार्यक्रम हम सब बूथ स्तर पर मनाते हैं। आगामी 23 जून की योजना हम सब कार्यकर्ता अभी इस अभियान के चलते सुनिश्चित करेंगे कि 23 जून का कार्यक्रम प्रत्येक बूथ तक संपन्न हो। अभी हमारे यहाँ स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, उसके पश्चात पार्टी का प्रदेश स्तर पर सभी मोर्चों के निचले स्तर तक जिला स्तर तक प्रशिक्षण संपन्न होना है, उसकी आगामी सूचना आप सबको प्राप्त होगी। हम सब जानते हैं कि भारत की स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई और आजादी का अमृत महोत्सव अर्थात 75 वर्ष 15 अगस्त 2022 को पूरे हो रहे हैं। इस वर्ष अमृत महोत्सव है तो हम सब कार्यकर्ता सरकार और समाज मिलकर हर घर राष्ट्र ध्वज ये अभियान चलने वाला है। यह अभियान पार्टी के बैनर पर नहीं होगा, सरकार के द्वारा आयोजित होगा। प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी का सभी कार्यकर्ता मिलकर प्रत्येक घर पर राष्ट्र ध्वज पहरे, इसमें हम सब अपनी भूमिका तय करें। और जैसा हमारा पंचलाइन आज की है, जीतेंगे बूथ जीतेगी भाजपा। हमारे यहाँ स्थानीय निकाय के चुनाव ग्रामीण निकाय के सिंबल पर नहीं होते, नगरीय निकाय के सिंबल पर होते हैं, लेकिन पार्टी के हम सब यहाँ बैठे हुए कार्यकर्ता आपसी समन्वय बनाकर और जो सामूहिक रूप से निर्णय होता है पार्टी की विजय के लिए प्रयास करें। और भारतीय जनता पार्टी सभी स्थानीय निकाय चुनाव में एक तरफा जीत प्रचंड बहुमत से विजय प्राप्त करे, ये आप सबसे अपेक्षा है। आगामी दिनों में और कार्यक्रम है, लेकिन स्थानीय निकाय चुनाव होने के कारण हम सब उस पर फोकस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय अजानंद जी भाई साहब। आगामी कार्यक्रमों की सूचना के बाद अब मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष और हम सब पदाधिकारियों को लगातार कहते हैं एक साथ बहुत सारे कार्यक्रमों की आदत डालिए। आज कुशाभाऊ ठाकरे जन्म शताब्दी के कार्यक्रम, स्थानीय निकायों के चुनाव, फिर प्रशिक्षण के कार्यक्रम, इसके बाद अनेकों कार्यक्रमों के साथ आज हम उपस्थित हैं। सभी कार्यकर्ताओं में लगातार ऊर्जा का संचार करने वाले हमारे यशस्वी युवा प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त जी शर्मा हम सबको संबोधित करें। आदरणीय विष्णुदत्त जी शर्मा बोलिए। भारत माता की जय। के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूरे दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के जिनके नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं, हमें सौभाग्य मिला है कि आज वो मध्य प्रदेश पधारे हैं। गुजरात भोपाल से दिल्ली तक आवाज आनी चाहिए, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मित्रों, ये मध्य प्रदेश की आवाज है। हमें आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनना है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री भी हमारे बीच में है और यहां पर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये जो आज यहां पर कार्यकर्ता उपस्थित है, पूरे मध्य प्रदेश के मंडल अध्यक्ष से लेकर पूरे भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, आज आपसे स्नेह और आशीर्वाद लेकर के यहां से जो कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे, तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हम सब लोग आज यहां से दिन भर अपने अपने व्यस्त समय में से, क्योंकि चुनाव ग्रामीण निकाय के चल रहे हैं, कोई फॉर्म भर रहा है, कोई तैयारी कर रहा है और नगर निकाय के चुनाव आज डिक्लेयर हो गए हैं, तो इसलिए मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात को कहकर हम सब अपने सम्मानी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनेंगे। आज इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित हमारे लोकप्रिय भारतीय जनता पार्टी के सम्मानी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के सह संगठन महामंत्री आदरणीय शिव प्रकाश जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय मुरलीधर राव जी, मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, हमारी सह प्रभारी बहन पंकजा मुंडे जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानी राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, मध्य प्रदेश के हमारे वरिष्ठ नेता
आदरणीय मोदी जी के कैबिनेट के मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, आदरणीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश दुर्वे जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे आदरणीय सुधीर गुप्ता जी, आदरणीय लाल सिंह आर्य जी, आदरणीय हितानंद जी, जयवान सिंह पवैया जी, नरोत्तम मिश्रा जी, भूपेंद्र सिंह जी, संजय राय जी, राजेंद्र शुक्ला जी, और इस अवसर पर आज इस बैठक में, क्योंकि हमारी एक कार्य समिति की बैठक है, यह सम्मेलन नहीं है, इसलिए इस बैठक में उपस्थित सभी सम्माननीय सांसदगण, सभी सम्माननीय विधायक, निगम मंडलों के अध्यक्ष, हमारे सभी सम्माननीय जिलाध्यक्ष, हमारे सभी सम्माननीय मंडल अध्यक्ष, जिलों के पदाधिकारी, सभी मोर्चों के अध्यक्ष और हमारे प्रकल्प से लेकर के सभी जो वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं आप सबका इस बैठक में, जिसको हमने बृहद कार्य समिति कहा है, मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज के दिन मैं केवल एक बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आप सब लोगों की ओर से कहने के लिए आया हूँ। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये जो वर्ष भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जो मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के शिल्पी रहे, अपने जीवन का एक एक क्षण और एक एक कण उन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश और देश के अंदर खड़ा किया, तो हम सब लोगों ने, ये जो बैठी हुई टीम ने, इसने मिलकर के क्या किया, आपसे बातचीत होने के बाद और आपके स्नेह और आशीर्वाद से हम लोगों ने, आपने जो हमें दिशा निर्देश दिए थे कि भारतीय जनता पार्टी में, इस भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने के लिए अगर सत्य कुशवाहा ठाकरे ने अपने जीवन का एक एक क्षण लगाया, तो क्या मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जो माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी ने जो मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया था, मैं आज आपको इस बात के लिए बताना चाहता हूँ कि बैठे हुए जो कार्यकर्ता हैं, जो मंडल के हमारे नौजवान अध्यक्ष हैं, हमारे सभी पदाधिकारी हैं, आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने जो कहा था, इन कार्यकर्ताओं ने अक्षर से पालन करके बूथ बूथ पर, जो पूरे ठाकरे जी को जन्म शताब्दी वर्ष के अंदर 10 दिन 10 घंटे और अपने जीवन के, अपने संगठन के इस वर्ष इस महीने में 100 घंटे लगाकर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हमारे नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश जी से लेकर हमारे प्रभारी और श्री प्रकाश जी भाई साहब ने भी समय देख करके भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पर्व पर प्रत्येक बूथ को डिजिटल बनाने के लिए और भौतिक परीक्षण करने के लिए जब मैदान में उतरे, तो मुझे बताने में गर्व होता है कि 95% से ऊपर आज के समय के अनुरूप प्रत्येक बूथ को डिजिटल बनाने का काम इन कार्यकर्ताओं ने किया है। कई जगह तो अध्यक्ष की ऐसी स्थिति हो गई थी कि हमारे जनजातीय क्षेत्र के अंदर जहां पर नेटवर्क नहीं आ रहा, तो कार्यकर्ता नेटवर्क के लिए पहाड़ियों पर चल रहे हैं, अपने छतों पर चल रहे हैं, जा करके यहां पर नहीं आ रहा है तो दूसरे बूथ पर ट्रैक्टर ट्रॉली में बिठा करके ले जा रहे हैं और वहां पर जा करके बूथ पर डिजिटल बूथ बनाने का काम कर रहे हैं। मुझे गर्व है इन कार्यकर्ताओं पर, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी दुनिया के अन्य राजनीतिक दलों से अलग है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें जो कहा उसको करने के लिए एक कार्यकर्ता प्रतिबद्ध होकर के मैदान में उतर गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के कुशासनवादी सरकार, जिसका उल्लेख प्रस्ताव के अंदर आया कि हर गरीब के हक रोजगार को छीनने का काम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर किया था, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जब चौथी बार सरकार बनी, तो यही वो कार्यकर्ता हैं जब 28 सीटों पर चुनाव हो रहे थे, हमारे सामने वो लोग थे जिनसे हम बरसों तक लड़ते रहे। लेकिन मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके सामने बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूँ, ये वो कार्यकर्ता हैं कि जब संगठन कहता है कि हमारी सरकार को, इस मध्य प्रदेश को बचाने के लिए हमारी सरकार बननी है और 28 विधानसभाओं के उपचुनाव में राजनीतिक निर्णय करना है, तो इन कार्यकर्ताओं पर, मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं पर गर्व होता है कि 28 विधानसभाओं के चुनाव में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जीत करके आते हैं और ऐतिहासिक बहुमत की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में पुनः मध्य प्रदेश के अंदर बनती है। पैसे एक नहीं, इस प्रकार के, चाहे हमारी केंद्र सरकार के माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजना हो, जब अन्न वितरण का अभियान चलता है, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता,
माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम सब मैदान में उतरते हैं। एक दिन में 25,000 स्थानों पर अन्न वितरण के अभियान को लेकर के मैदान में उतर जाते हैं। मंडल अध्यक्षों से लेकर हमारे मंडल की बैठकों के बारे में हमारी बूथ के कार्यकर्ता और मंडल के कार्यकर्ता तय करते हैं कि एक दिन में ही हम सारे मंडलों की बैठक करेंगे। तो अध्यक्ष जी, मैं इन कार्यकर्ताओं पर गर्व करता हूं कि एक दिन में ही 1,070 में से 1,058 मंडलों की बैठक में एक दिन के अंदर होती है। यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। इसलिए आदरणीय अध्यक्ष जी, आज मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आपके द्वारा माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो गरीब कल्याण की योजनाओं से लेकर भारतीय जनता पार्टी के संगठन के बूथ के सशक्तिकरण और हमारे मंडल के स्वाभिमानी मंडल बनाने के लिए जो स्वावलंबी मंडल हमारा कैसा बनेगा, ये कार्यकर्ता अथक मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की यात्रा को जो बैठा हुआ नेतृत्व है ठाकरे जी के नेतृत्व से लेकर आज की वर्तमान हमारा जो नेतृत्व आज मध्य प्रदेश के अंदर काम कर रहा है, हमारे वरिष्ठों ने जो इस संगठन को खड़ा किया है, उन सबके स्नेह आशीर्वाद से हम भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश की इस यात्रा को आपके आशीर्वाद से हम सब लोग उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आपका स्नेह आशीर्वाद हमें ऐसे ही मिलता रहे और आगामी आने वाले ग्रामीण निकाय और नगर निकाय के चुनाव में। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी आपको बताना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी, कि ये जो ताकत भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश के अंदर है, कमलनाथ जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं मीडिया के अंदर कमलनाथ जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से कमलनाथ जी ने कहा, अरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं सुन लो, अरे लड़ना है तो कुछ नहीं होगा, ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना मजबूत है मध्य प्रदेश के अंदर, क्या इससे लड़ने में तुम्हारी क्षमताएं नहीं है, जाओ जमीन पर कुछ काम करो, तब मध्य प्रदेश के अंदर जीत सकते हो। ये ताकत इन कार्यकर्ताओं की है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण निकाय के पंचायत के चुनाव छोड़ दो, जहां 70% आबादी रहती है, मैदान छोड़ करके कमलनाथ जी भाग गए। लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी, आज इस बृहद कार्य समिति के अवसर पर मैं आपके सामने सभी कार्यकर्ताओं की ओर से मैं आज आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। बोलो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आश्वस्त करने कि नहीं करने, दोनों हाथ उठा के बोलो करने के नहीं करने। तो सभी पंचायत 23,000 पंचायत और 16 नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के अंदर आदरणीय अध्यक्ष जी आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे, हमारा नेतृत्व हमें आशीर्वाद देता रहे, तो मध्य प्रदेश के अंदर ग्रामीण निकाय और स्थानीय निकाय के चुनाव में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस मध्य प्रदेश के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाने का काम करेगी और प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत करके आदरणीय अध्यक्ष जी हम आपको पुनः आमंत्रित करेंगे और उन सरपंचों को, उस नेतृत्व को आपको फिर संबोधन के लिए, बुधारने के लिए आज ही मैं आपको आमंत्रण देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी जो ताकत आज मध्य प्रदेश की यहाँ पर उपस्थित हुई है, आज इस माननीय अध्यक्ष जी हमको संबोधित करने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आपकी ऊर्जावान वाणी से मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आगे की चुनौतियों के लिए कमर कस के तैयार है। अब मैं आग्रह करूंगा बड़े आदर और सम्मान के साथ मध्य प्रदेश के लाडले जन नायक मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी को, जो अपने संकल्प के धनी है, जब वो 27% आरक्षण की बात उन्होंने कही, सर्वोच्च न्यायालय में कुछ कमी रह गई तो उन्होंने निवेदन किया कि फिर से प्रयत्न करेंगे, लेकिन जो संकल्प लिया है सर्वोच्च न्यायालय के सामने फिर से आग्रह करेंगे और उस संकल्प में विजय हुए। ऐसे विजयी संकल्पी आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान से आग्रह करूंगा हम सबका मार्गदर्शन करें। बोलिए भारत माता की। अरे अध्यक्ष जी आज तो जोर से बोल रहे थे। भारत माता की। मंच पर विराजमान विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रवादी विचारक, मौलिक चिंतक, कुशल संगठक, सफल प्रशासक,
और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मध्य प्रदेश आए, लेकिन आए तो चार राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को महाविजय दिला के आए। ऐसे हमारे अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी, हम नड्डा जी आए हैं और यहाँ प्रमुख कार्यकर्ता बैठे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी बैठी है, तो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए नड्डा जी का, वंदन कीजिए नड्डा जी का, अभिनंदन कीजिए नड्डा जी का। नड्डा जी आपका स्वागत। हमारे प्रदेश के यशस्वी और कर्मठ अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में संगठन लगातार विस्तार कर रहा है, आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय शिव प्रकाश जी, आदरणीय मुरलीधर राव जी, पंकजा ताई, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री वरिष्ठ नेता आदरणीय कैलाश विजय वर्गीय जी, केंद्र में हमारे यशस्वी मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, आदरणीय श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, आदरणीय श्रीमान फग्गन सिंह कुलस्ते जी, राष्ट्रीय मंत्री ओम प्रकाश ध्रुवे जी, सुधीर गुप्ता जी, लाल सिंह आर्य जी, जयभान जी, भाई नरोत्तम मिश्रा जी, भूपेंद्र सिंह जी, संध्या जी, राजेंद्र जी, सभी आदरणीय सांसदगण, विधायकगण, जिलाध्यक्षगण, मंडल अध्यक्षगण, कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आज जब हम यहां नड्डा जी का मार्गदर्शन लेने आए हैं, तो अध्यक्ष जी ने बताया भी, संघर्ष का संख फूक गया है, युद्ध के नगाड़े बज गए हैं, पंचायत के चुनाव की घोषणा तो पहले ही हो गई थी, आज नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत की भी घोषणा जारी कर दी गई है। ऐसे में कार्य समिति हो रही है, तो इस कार्य समिति में एक लक्ष्य तय करके जाएंगे कि आगामी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पंचायत हो चाहे नगर निगम हो, महाविजय प्राप्त कराकर ही चैन की सांस लेंगे। इतने धीरे ताली बजाने से काम नहीं चलेगा, मैं बजा तो जोर से बजाऊंगा। सचमुच में नड्डा जी के नेतृत्व में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार, संगठन का विस्तार हुआ है, और मैं नड्डा जी का इसलिए अभिनंदन करना चाहता हूं। सेवा ही संगठन, एक अद्भुत कार्यक्रम आपने दिया कोविड काल में, तब जब कांग्रेस के लोग बिलों में घुस गए थे, घरों में बैठे थे, बयान देने के अलावा ट्यूटर ट्यूटर खेलते थे, मैदान में कहीं नहीं निकलते थे, तब ये नड्डा जी जिनके आह्वान पर लाखों लाख कार्यकर्ता निकले मैदान में जनता की सेवा के लिए, कोई भोजन करा रहा है, कोई दवाई बांट रहा है, कोई परिवहन की व्यवस्था कर रहा है। मुझे कहते हुए गर्व है आप सब पर कि जब अनेकों प्रदेशों से पैदल चल के प्रवासी मजदूर अपने अपने प्रदेश जा रहे थे, तब सरकार ने बसें उपलब्ध कराई और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने चाय, नाश्ता, भोजन, दवाइयां, शरबत, यहां तक कि हमारे अध्यक्ष ने मजदूरों के पांव में छाले पड़ रहे थे तो जूता चप्पल पहनाने का भी काम किया। यह अद्भुत संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, एक नया आयाम आपने नड्डा जी दे दिया। सेवा ही संगठन, संगठन पर्व, समाज के हर वर्ग को जोड़ो, बूथ विस्तारक योजना, और आज मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं और अपने प्रदेश के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी और उनकी टीम को बधाई देता हूं कि बूथ विस्तारक का आदर्श काम हुआ है तो मध्य प्रदेश के बूथ पर हुआ है, मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ है। इसमें भी जोरदार ताली होनी चाहिए संगठन के काम पर। हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का संगठन, हमारी 21 लोगों की टीम 22 काम वो करने के लिए सन्नद्ध और तैयार रहे, और ठाकरे जी की प्रेरणा से जो समर्पण निधि प्रारंभ हुई थी, छोटा छोटा कलेक्टर,
व्यक्ति व्यक्ति से संपर्क, 8.5 लाख लोगों से हमने तय कर दिया कि पार्टी का जो रूटीन का काम है वो कार्यकर्ता और हमारे समर्थकों के परिश्रम और पसीने की कमाई से चलेगा, परिश्रम और पसीने की कमाई से चलेगा। अद्भुत काम संगठन का इस समय हुआ और प्रेरणा माननीय नड्डा जी की है, आपके नेतृत्व में नड्डा जी हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कल उनके यशस्वी 8 साल पूरे हुए, एक बार जोरदार ताली बजा के मोदी जी का अभिनंदन करो। यशस्वी 8 साल। अब किसी ने कहा कि मुझे पूछा एक पत्रकार ने कि मोदी जी और गांधी जी में आप क्या समानता देखते हैं। मैंने कहा देखो, मोदी जी की तुलना केवल गांधी जी से नहीं की जा सकती। मैं मोदी जी को अगर देखता हूं संपूर्णता के साथ, तो गांधी जी की तरह उन्हें जैसे गांधी जी ने आजादी के आंदोलन को जन आंदोलन बना दिया था, स्वच्छता जैसे अभियान को मोदी जी ने जन आंदोलन बना दिया, आम जनता से जोड़ दिया। समय नहीं है, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। तो गांधी की तरह जनता को जोड़ने का कौशल है उन्हें, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का प्रखर राष्ट्रवाद, नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मोदी जी ने कहा मैं देश नहीं झुकने दूंगा। और पाकिस्तान ने गड़बड़ की तो सर्जिकल स्ट्राइक, बर्मा के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक। आज विस्तार से कहने का समय नहीं, अद्भुत शौर्य और सामर्थ्य का प्रदर्शन। और तीसरी तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह उनने देशी रियासतों को जोड़ा था, रन फॉर यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, भारत को एक आत्मता के सूत्र में बांधा, कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके भावनात्मक एकता पैदा की तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने। नॉर्थ ईस्ट में चमत्कार हुआ है। आज वहां अलीगढ़ाबाद आतंकवाद नहीं है, तो गांधी जी, सुभाष जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल का त्रिवेणी संगम अगर हम देखते हैं तो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी में देखते हैं। यह बात मैं अंतरात्मा से कह रहा हूं। अद्भुत योजनाएं उनकी, लेकिन मध्यप्रदेश गर्व के साथ ये कहता है कि सरकार और संगठन मिलकर उन योजनाओं का आदर्श क्रियान्वयन जमीन पर कर रहा है। कई योजनाओं में हम नंबर 1 क्रियान्वयन में, लाभ देने में, और वो अभियान हमारा लगातार जारी रहेगा, लगातार चलता रहेगा। मेरे मित्रों, योजनाओं के बारे में प्रस्ताव में कई चीजें आई, मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा। इस कांग्रेस ने ओबीसी के पीठ में छुरा घोंपा था, ओबीसी के आरक्षण खत्म करने का पाप किया था, षड्यंत्र किया था, लेकिन हमने संकल्प लिया था कि ओबीसी के आरक्षण के साथ ही चुनाव के मैदान में जाएंगे। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी कार्यकर्ता बहनों और भाइयों। मैंने कहा था विधानसभा में कोई सहयोग करेगा तो उसके साथ, कोई सहयोग नहीं करेगा तो उसके बिना, और कोई विरोध करेगा तो उसके बावजूद ओबीसी को आरक्षण दिलाकर ही हम चुनाव के मैदान में जाएंगे। और आज हम सफल हुए, अब चुनाव के मैदान में हम जा रहे हैं। कितनी योजनाएं हैं कल्पना तो करें। संबल 2 शुरू हो गई है, लाली लक्ष्मी 2, उसमें तय कर दिया है कि जो लाली लक्ष्मी बेटियां जिनको मैंने गोद में खिला खिला के बचत पत्र बांटे थे, आज वो कॉलेज में जा रही है। हमने तय किया कॉलेज में प्रवेश करेगी तो 12,500 दो बार देंगे, और मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM, लॉ कॉलेज में कहीं एडमिशन लेगी तो उनकी फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाने का काम करेगी। कन्या विवाह योजना फिर प्रारंभ हो गई, तीर्थ दर्शन प्रारंभ हो गई, किसानों को 2 साल में 2,00,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में गया, चमत्कार हुआ है। कमलनाथ, तुमने दमड़ी नहीं दी, और बात भारतीय जनता पार्टी से करते हो। गरीब कल्याण की योजना है, राशन हो, इलाज हो, बच्चों की पढ़ाई हो, मकान हो,
हमारा संकल्प है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2 साल के बाद कोई गरीब कच्ची झोपड़ी में नहीं रहेगा, सबके पक्के मकान बना दिए जाएंगे। योजनाओं का खजाना है हमारे, और ये ज्यादा विस्तार में न जाते हुए मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि संगठन की भी असली परीक्षा होती है चुनाव में, और चुनाव आ गए अभी, नगर निगम के और नगर पालिकाओं के भी 6 जुलाई को पहली चरण के वोट डलेंगे, 13 जुलाई को दूसरे चरण के वोट डलेंगे, 11 नगर निगम पहले चरण में, 5 दूसरे चरण में, कार्यक्रम विस्तार से मिल जाएगा। लेकिन अब इन चुनावों को जीतना है, याद रखना जब 1.25 साल सरकार थी कमलनाथ की तो अपने कार्यकर्ताओं के घर बुलडोजर कमलनाथ ने चलाए थे, हम गुंडों बदमाशों और दबंगों की छाती पे बुलडोजर चला रहे हैं, उनकी छाती पे बुलडोजर चला। 21,000 एकड़ जमीन हमने मुक्त कराई है 15,000 करोड़ की, दबंगों से छीन के हम गरीबों में बांटने का काम करेंगे। अब आज तक कह रहे थे अभी कमलनाथ सो रहे हैं, राहुल गांधी को लंदन में रो रहे हैं, भारत में कोई नहीं सुनता तो लंदन में जाकर कहते हैं भाजपा की सरकार ने केरोसिन फैला दिया है। ये बुझा हुआ नेता जिसकी मानसिक आयु 6 साल से ज्यादा की नहीं है, इसके रहते हुए कांग्रेस को दुश्मन की जरूरत है, तो वो कांग्रेस का नेतृत्व है। और यहां हमारे अध्यक्ष नड्डा जी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे अमित शाह जी केंद्रीय नेतृत्व, और हमारा संगठन कमलनाथ कराए, पंचायतों से हमें कोई लेना देना नहीं है। अरे जमीन पे कुछ होगा नाथ तो लेना देना होगा, जब कुछ ही नहीं है तो कहां से ले लोगे तुम। आज मैं आह्वान करता हूं माननीय नड्डा जी के सामने, हम सब संकल्प करें कि शानदार बहुमत से हम स्थानीय निकायों के चुनाव जीतेंगे। जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, केवल 2 मिनट में मैं क्या करना है ये निवेदन करना चाहता हूं। 1, उम्मीदवार का चयन क्योंकि आप ही करने वाले हो, सावधानी से करना, सेवा ही संगठन में कई सेवक निकल निकल के आए हैं जिनका आचरण व्यवहार, क्योंकि छोटा चुनाव सबसे कठिन होता है, अगर बात भी मीठी नहीं है कड़वी हो गई तो भी वोट नहीं देते, फिर पार्टी का सिंबल नहीं देखता। उस दिन उसने क्या कहा था, आज तो नहीं छोड़ूंगा, सही बात है कि नहीं, तो चयन ठीक हो जाए। चयन 1 का होगा, इससे समन्वय बनाने का काम भी आपका, कोई शल्य की भूमिका मत निभाना कि मन का कोई उम्मीदवार नहीं चुना गया तो अपनी आग लगा रहे हैं, तालमेल बना, इससे मन बनाना। और 1 काम अगर कर लिया आपने, 1 काम बताऊं कौन सा, अरे बताऊं कौन सा, हितग्राहियों से संवाद करके उनको अगर अपने आप से जोड़ लिया तो दुनिया की कोई ताकत भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकती। और जो मैं निवेदन करना चाहता हूं, हितग्राही सम्मेलन, हितग्राही संपर्क, गरीब कल्याण योजना का अन्न बन रहा है, मकान, लाली लक्ष्मी योजना, किसान सम्मान निधि, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, योजनाओं का नाम नहीं गिना रहा, सूचियां लो और हितग्राहियों से संपर्क करके उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ दो। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप 7 काम करने को तैयार है, 1 हितग्राही संपर्क, 2 की वोटर, समाज के हर वर्ग के कल्याण के काम हमने किए हैं, जनजाति समाज के लिए पेशा एक्ट हमने लागू किया है, 89 लाख में राशन हम भेजने का काम कर रहे हैं, 4 ग्रामीण इंजीनियर हम तैयार कर रहे हैं, सिकल सेल एनीमिया के खिलाफ अभियान और आंदोलन हम चला, के खिलाफ अभियान हम चला रहे हैं, कितनी योजनाएं अनुसूचित जनजाति की है, पेशा एक्ट धीरे धीरे लागू हो रहा है, ये जनजाति भाइयों और बहनों से कह दो, और सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार भारतीय जनता पार्टी दे रही है गरीब को, तेंदुपत्ते का बोनस हमने बढ़ाने का काम किया है, कौन सा भला किया जनजाति समाज का, आदिवासियों का कांग्रेस बताते हैं, केवल मूर्ख बनाने के अलावा कुछ नहीं किया, चाहे जनजाति समाज का कल्याण हो, हमने रविदास जयंती मनाई, हमने अम्बेडकर जी की जयंती पर कार्यक्रम किए,
संत रविदास आर्थिक कल्याण योजना एक नहीं अनेकों लाभ पहुंचाने वाली योजना जनजाति समाज के साथ साथ अनुसूचित जाति के लिए हमने घोषित की। ओबीसी को आरक्षण हमने दिया। सामान्य वर्ग के बेटा बेटियों को मध्य प्रदेश की धरती पर सबसे पहले अगर स्कॉलरशिप दी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी, हमने दिए। पुजारियों का मानदेय घोषित हमने किया और घोषित नहीं आदेश निकल गए। 5,000 रुपया महीना मानदेय मिलेगा। संस्कृत पढ़ने वाले बच्चों को भी स्कॉलरशिप देने का फैसला किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। आर्थिक रूप से जो गरीब थे उनको 10% आरक्षण हमने दिया। एससीओ एसटीओ ओबीसीओ सामान्य वर्गो और मेरी बहनों 50% रिजर्वेशन अगर स्थानीय निकाय में सबसे पहले किसी ने दिया तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। 50% शिक्षकों की भर्ती में आ रहे, 30% पुलिस की भर्ती में आ रहे। एक नहीं अगर ऐसे गिनाओ तो सैकड़ों काम। कोई वर्ग समाज का ऐसा नहीं है कि जिसके कल्याण के काम हमने नहीं किए। और ये कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, हितग्राहियों में जाओ, समाज के हर एक वर्ग में जाओ, इन कामों को लेके जाओ, की वोटर्स के पास जाओ, खिलाड़ी संगठनों के पास जाओ, सामाजिक समाज सेवी संगठनों के पास जाओ। इनको अगर ठीक से हमने जोड़ लिया तो कोई भारतीय जनता पार्टी को पराजित नहीं कर सकता। इस चुनाव में संकल्प ले लो कि मध्य प्रदेश की धरती से कांग्रेस को वॉश आउट कर देंगे, बिल्कुल साफ कर देंगे। उनका आधा मनोबल तो अभी गिरा हुआ है, सारी योजनाएं तो उन्हें बंद कर दी थी, क्या लेकर जनता के बीच जाएंगे, लेकिन बाकी चुनाव के बाद गिरा दो। और इसलिए मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं कि गरीब कल्याण की कितनी योजनाएं प्रधानमंत्री जी की, कोई कोई काम ऐसा नहीं है गरीबों का जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया। और इसलिए कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आओ आज हम संकल्प लें कि इस चुनाव को शानदार ढंग से जीतने में हम परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे और प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे। गांव गांव जाओ, अलख जगाओ, जागरण का मंत्र फूको, हितग्राहियों को पास लाओ, जो नहीं समझाओ उसको समझाओ और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से हर पंचायत में और निकाय में जिता के लाओ। पंचायत सिंबल पर चुनाव नहीं होगा, लेकिन हमारे समर्थक और अच्छे लोग जीते। एक बात याद रखना, अगर नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में हमारे अध्यक्ष और मेयर नहीं बैठे तो विधायकों को वह मंच पे बुलाने वाला भी कोई नहीं रहेगा, ये याद रख लेना। क्योंकि सारी योजनाओं का क्रियान्वयन उनके माध्यम से होता है। और जब नगर में हो या गांव में पंचायत हो, मोदी जी भी पैसा भेजेंगे तो पंचायतों को, नगर निगम को भेजेंगे, नगर पालिकाओं को भेजेंगे, प्रदेश से भी पैसा जाएगा तो वहीं जाएगा। और ये आइए, ये कार्यकर्ता प्रमुख कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, विस्तारित कार्य समिति ये संकल्प ले कि अब 15 जुलाई तक चुनाव होंगे, बाकी काम जितना जरूरी हितानंद जी ने बताया उतना करेंगे, बाकी पूरा फोकस चुनाव पर करेंगे। समन्वय और तालमेल बना के जनता को साथ लेके हर नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, हर वार्ड में और हर पंचायत में भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अध्यक्ष जी ने पूछा तैयार हो, तो मैं भी पूछ रहा हूं तैयार हो, तो आइए आज हम संकल्प लें अध्यक्ष जी के सामने। क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने तो निमंत्रण दे दिया कि चुने हुए सरपंच और प्रतिनिधि आएंगे तो फिर नड्डा जी उनका मार्गदर्शन करने फिर पधारेंगे। आइए हम सारे के सारे चुन के लाए और उसके लिए संकल्प लें कि हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, सब में भारतीय जनता पार्टी को जिताने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ये संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, भारत माता की।
भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, हर हर नर्मदे। बहुत बहुत धन्यवाद। निसंदेह जब ऐसा नेतृत्व यहाँ मंच पर विराजित हो जिनका मार्गदर्शन हमको मिल रहा हो, तो आने वाली चुनौती जैसी भी हो उसका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी का यह कार्यकर्ता पूरे अनुशासन के साथ उसको पूरा करेगा, और जो संकल्प हमने लिया है उसको पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भोपाल के बाद जबलपुर पहुंचने वाले हैं, जबलपुर वाले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं अब आग्रह करूंगा, ध्येयनिष्ठ कार्यकर्ता, प्रशिक्षित कार्यकर्ता, संकल्प के साथ काम करने वाले कार्यकर्ताओं के इस कार्यकर्ताओं की एकमात्र विश्व की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी को वे आए और हम सबका मार्गदर्शन करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा खड़े होकर के करतल धोनी से अपने प्रिय लाडले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें, वे हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय जगत जी नड्डा, आज के इस प्रदेश कार्य समिति की वृहद बैठक में मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के जुझारू प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे बहुत ही यशस्वी लोकप्रिय और कर्मठ मुख्यमंत्री सम्माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी में मेरे साथ काम कर रहे ऐसे हमारे राष्ट्रीय मंत्री महामंत्री श्री कैलाश विजयवर्गी जी, हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री और हमारे महामंत्री श्री शिव प्रकाश जी, हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी और मेरे वरिष्ठ साथी मुरलीधर राव जी, हमारी सह प्रभारी बहन पंकजा मुंडे जी, भारत सरकार में मंत्री और मेरे वरिष्ठ साथी श्री नरेंद्र तोमर जी, हमारे भारत सरकार में मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी, फगन सिंह कुलस्ते जी, ओम प्रकाश ध्रुवे जी हमारे राष्ट्रीय मंत्री, लाल सिंह आर्या जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मोर्चा के, हमारे सभी यहाँ उपस्थित मंत्री, प्रदेश सरकार में मंत्री, सभी सांसदगण, सभी विधायकगण और हमारे वृहद कार्य समिति में उपस्थित सभी क्षेत्रों से मध्य प्रदेश के कोने कोने से आए हुए हमारे दायित्वधारी पदाधिकारी, मंडल के अध्यक्ष, कार्यकर्ता बंधु और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज भोपाल में आने का मौका मिला। राजा भोज की ऐतिहासिक नगरी, और हम सब लोग जानते हैं कि इस नगरी के साथ साथ हमारी रानी कमलापति जी का योगदान और बहुत से स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने इस स्थान को गौरवान्वित किया, ऐसे सभी विभूतियों को सबसे पहले तो मैं अपना नमन करता हूँ, शीश झुकाता हूँ और उनको आदर के साथ याद करता हूँ। आज कार्य समिति में राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित हुआ और साथ ही साथ प्रदेश के अध्यक्ष जी का हमको उद्बोधन मिला, जिसमें उन्होंने पार्टी के द्वारा चल रहे कार्यों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। उन्होंने बताया कि कुशाभाऊ ठाकरे जो हम सबके संगठन के सूत्रधार रहे, जो संगठन की आत्मा रही, जो संगठन के नींव रहे, उनकी जन्म शताब्दी हम मना रहे हैं और उस जन्म शताब्दी में बूथ विस्तारक योजना के माध्यम से 64,000 बूथों में
61,000 बूथ तक पहुंच करके समर्पण निधि से लेकर के बूथ विस्तारक के कार्यक्रम को जो बल दिया है उसके लिए मैं तमाम कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं और उनको नमन करता हूं। मित्रों, ये जो वृहद कार्यकारिणी हमारे सामने उपस्थित है, यही मध्य प्रदेश के का भविष्य भी है और यही मध्य प्रदेश में राजनीतिक चीजों की चिंता करने वाला वह बड़ा ग्रुप है जिसके माध्यम से कमल के निशान को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य हम हासिल करते हैं तो वो आपके माध्यम से हासिल करते हैं। इसलिए आपको मैं साधुवाद भी देता हूं, नमन भी करता हूं। मित्रों, जब हम संगठन की बात कर रहे हैं तो यहां सभी लोग दायित्वधारी हैं, सबके पास कोई ना कोई पद भी है और दायित्व भी है। आप ही हमारे पार्टी को जमीन के स्तर तक ले जाने वाले और हमारी विचारधारा को नीचे तक पहुंचाने वाले हमारे बहुत बड़े उपकरण हैं। इसलिए आपके कंधों पर जहां काम करने का जिम्मेवारी है वहां मैं एक बात जरूर कहूंगा कि काम करना और क्वालिटी का काम करना, इसके तरफ हमेशा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, हमारा संगठन इतना बड़ा हो गया, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। हम अगर एक आवाज भी लगाएं तो हजारों लोग, अगर हम एक आवाज भी लगाएं तो लाखों लोग, जैसी हमारी इच्छा होती है वैसे ही हमारे कार्यकर्ताओं की श्रृंखला खड़ी हो जाती है, काम पर जुट जाती है। यह हमारी ताकत है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, 18 करोड़ की पार्टी बन गई, लेकिन हम लोगों को चैतन्य अवस्था में चेतन होकर यह ध्यान में लेना है कि मेरे द्वारा और मेरे किए गए कार्यों के माध्यम से पार्टी को हम कितना आगे ले जा रहे हैं, इसका बोध हमेशा होना चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक उदाहरण देना चाहूंगा, जगन्नाथ जी का रथ खींचता कौन है ये किसी को मालूम नहीं है, सभी रस्सी को हाथ लगाते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी का रथ अविरल चलता रहता है। आज हमारी पार्टी की भी यही स्थिति है कि हमारे कार्यकर्ता हाथ लगा देते हैं तो भी पार्टी चल पड़ती है और तीव्र गति से चलती रहती है। लेकिन हमको ध्यान में रखना है कि मेरे हाथों से खींची गई रस्सी जगन्नाथ जी के रथ को कितना योगदान मैंने किया है, यह हमारी चिंता होनी चाहिए। आपके द्वारा पार्टी को कितनी मजबूती मिली है इसका विवेक होना चाहिए। आपके द्वारा पार्टी में कितने कार्यकर्ताओं को जुड़ने का मौका आपके कारण मिला है इसका हमको बोध होना चाहिए। आपके द्वारा पार्टी की विचारधारा को कितने घरों तक हम ले गए, सही दिशा में ले गए, इस बात का निरंतर चिंतन होते रहना चाहिए, तभी आपका कार्यकर्ता भाव जागृत रहेगा। और इसीलिए मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब लोग ये ध्यान में रखें कि क्वालिटी वर्क कैसे बढ़ाया जा सकता है। अगर हम बोलते हैं तो क्या हम तैयारी करके बोलते हैं? अगर हम भाषण देते हैं तो क्या हम मुद्दों पर बोलते हैं? क्या हम आंकड़ों के साथ बोलते हैं? क्या सामने वाले को अपने साथ आत्मसात करने के तरीके को ध्यान में रख करके बोलते हैं? अगर हम संगठन के लिए काम करते हैं तो क्या हम इस बात की मानसिकता ध्यान में रखते हैं कि वह सिर्फ मेरा भाषण ही नहीं सुन रहा है, वह भाषण के साथ साथ मेरे व्यवहार को भी परीक्षा की तरीके से तौल रहा है कि हमारा कार्यकर्ता नेता कितना परीक्षा में अपने आप को उत्तीर्ण करेगा, सफल करेगा। इसलिए मित्रों, एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपके ऊपर आती है और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह परिवर्तन के माध्यम और उपकरण जो आप हैं उसको हमको संभाल करके चलने की जरूरत है। आज सुबह मैंने एयरपोर्ट पर बोला
हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमको भारतीय जनता पार्टी में काम करने का मौका मिला। मैं अपने विरोधियों को बार बार बोलता हूं कि भाई मेरे, अगर बीजेपी से मुकाबला करना हो तो तुम्हारी इस पार्टी में चार चार पीढ़ियां खप जाएंगी, तब तुम कहीं हमारे बराबर खड़े हो गए। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। ये तो हम आज मंच पर बैठे हैं, आप अपने अपने स्थानों पर मंच पर बैठते हैं। याद करो वो दिन जब पहली पीढ़ी सिर्फ जमानत बचाने के लिए लड़ाई लड़ती थी। याद करो वो दिन जब दूसरी पीढ़ी जमानत बच जाए तो लड्डू बांट करके खुशी मनाने की काम करती थी। याद करो वो तीसरी पीढ़ी जब ये तय करती थी कि यदि हमारे कुछ एमएलए जीत करके आ गए तो भारतीय जनता पार्टी का, जनसंघ का भविष्य उज्जवल है, इस बात का संतोष मना लेते थे। और याद करो वो दिन जब चौथी पीढ़ी ने कहा हम सरकार नहीं सरकारें बनाएंगे, हम एक नहीं अनेक सरकारें बनाएंगे, यहां तक की यात्रा की। इसलिए मित्रों, चार चार पीढ़ी खप गई, पाने को कुछ नहीं था, खोने को सब कुछ था, उनके बदौलत हम आज यहां बैठे हैं। और इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, आज हम यहां पर बैठे हैं, हम कुशाभाऊ ठाकरे जी को याद न करें, हम राजमाता जी को याद न करें, हम सुंदर सिंह भंडारी जी को याद न करें, हम खंडेलाल जी को याद न करें, हम नाना जी को ध्यान याद न करें। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने इस पार्टी के नींव बन करके, पार्टी के इस गौरव स्थिति में ला करके खड़ा करने में अपना योगदान किया। इसलिए उस जिम्मेवारी को समझना चाहिए। और मैं जब कह रहा था, सुबह भी कहा कि आज हमारे पास नेता है, आज हमारे पास नीति है, आज हमारे पास नियत है, आज हमारे पास संकल्प है, आज हमारे पास कार्यक्रम है, आज हमारे पास कार्यक्रम को उतारने के लिए कार्यकर्ता है, और आज हमारे पास वातावरण है। किसी पार्टी के पास ये नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के और विश्व के नेता के रूप में विराजमान है, वहां से लेकर शुरू करें तो देश में भी हमारे पास नेता है, प्रदेश में भी हमारे पास नेता है, मध्य प्रदेश में भी नेताओं की श्रृंखला है, और आप सब भी अपने अपने स्थान पर नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। ये नेतृत्व की ताकत हमारी बनी है। हमारे पास नीति है, हमारे पास नियत है, हमारे पास काम करने का जज्बा है, हमारे पास कार्यकर्ता है, और हमारा वातावरण भी हमारे पक्ष का है। किसी और पार्टी में न नेता है, न नियत है, न नीति है, न संकल्प है, न कार्यक्रम है, न कार्यकर्ता रह गया है। यह परिस्थिति दूसरी पार्टियों की खड़ी है। इसलिए इसका हमको सदुपयोग करते हुए पार्टी को आगे बढ़ाना है, और इसमें आप सब लोगों को अपना योगदान करना है। इसको हमको हमेशा ध्यान रखना है। जब हम सशक्त बूथ की बात करते हैं, बूथ को मजबूत बनाने की बात करते हैं, हम एक आत्ममानववाद की विचारधारा की बात करते हैं, हम एक मंत्र लेकर के चलते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये हमारा कार्य करने का मंत्र है। इसलिए हमारे पास नियत भी है, नीति भी है, और कार्यक्रम भी है। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, एक पर एक कार्यक्रम हमारे हैं, जिसकी चर्चा शिवराज सिंह चौहान जी ने अभी आपके सामने की। उन्होंने आपको बताया, मैं इसलिए आपके सामने ये बातें रख रहा हूं कि आज हम सब चीजों से लैस होकर के चल रहे हैं। हम सब लोगों ने 8 साल बेमिसाल इसको हमने धरती पर लोगों तक पहुंचाना है, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, ये मन में लेकर के मोदी जी के 8 साल बेमिसाल और 8 साल गरीब कल्याण, ये हम लोगों ने करने का प्रयास किया। मित्रों, आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं। सेवा सिर्फ कहने के लिए नहीं था। कौन सी ऐसी पार्टी थी जो कोरोना में घरों से बाहर निकली? कौन सी ऐसी पार्टी? सारी पार्टियां आइसोलेशन में चली गई, सारी पार्टियां जिसे कहते हैं आईसीयू में चली गई, सारी पार्टियां ऑक्सीजन पर चली गई। नेता ट्विटर पर दिखते थे, नेता वीडियो कॉन्फ्रेंस पर दिखते थे,
यह भारतीय जनता पार्टी थी जिसके कार्यकर्ता धरती पर उतरे और 50 करोड़ राशन का पैकेट और राशन पहुंचाने का काम पूरे 3 महीने किया, तो भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने। आपने बूढ़े माता पिता जिनके पास दवाई की व्यवस्था नहीं थी, महीनों दवाई पहुंचाने का काम किया, सैनिटाइजर पहुंचाया। सेवा हमारे रग रग में है और भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक कार्य करते करते एक सेवा का एंगल, एक सामाजिक एंगल, एक समाज के प्रति समर्पण, यह भी भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। और इसलिए जब हम कहते हैं 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, तो गलत नहीं कहते। अब सुशासन का अर्थ देखो, एक समय एक प्रधानमंत्री मंच पर आकर बोलते थे, उड़ीसा में उन्होंने कालाहांडी में कहा था राजीव गांधी ने, मैं 1 रुपया भेजता हूं तो रास्ते में 85 पैसे खर्च हो जाते हैं, 15 पैसा ही पहुंचता है। कहा था कि नहीं कहा था। यानी सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अपने कार्य की और सरकार का निकम्मापन बता रहा था। और कल की घटना देखो, मोदी जी ने दिल्ली शिमला के रिज मैदान से आपके सामने एक बटन दबाया और 10 सेकंड के अंदर 10 करोड़ किसानों के खाते में 23,000 करोड़ रुपए चला गया। ये सुशासन है, इसको हमको समझना। 10 सेकंड आपने देखा होगा, वो मीटर चला होगा जब मोदी जी ने बटन दबाया, 10 सेकंड 2 मीटर थे, एक तरफ 10 करोड़ का आंकड़ा आ रहा था और दूसरी तरफ 23,000 करोड़ रुपए बैंकों के माध्यम से उनके खाते में चला गया। यह सुशासन की मिला मिजाज देखने को हमको मिला, यह हमको मौका मिला, यह हम देखें। यही नहीं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना और भी जितनी योजनाएं हैं, आज सारे का सारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा है, PBT हो रहा है, सीधे, कोई बिचौलिया नहीं बीच में, कोई बीच में नहीं आ रहा है, सीधे पैसा उनके खाते में जा रहा है, यह हमने देखने को मिला। मित्रों, हम सुना करते थे यहां सब कुछ ऐसा ही चलेगा, कोई बदल नहीं सकता है, जितना हुआ हुआ, जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ, ये राजनेता कहते थे। आज भारत की राजनीति की संस्कृति मोदी जी ने बदली है, मध्य प्रदेश में आपकी राजनीति की संस्कृति बदली है, मोदी है तो मुमकिन है, ये राजनीति का स्लोगन बन गया, इसको भी हमको ध्यान में रखना। हम लोग चुनाव लड़ते थे जातिवाद, परिवारवाद, वंशवाद, धर्म पंथ, ये सब मुद्दे हुआ करते थे चुनाव। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जातिवाद को, वंशवाद को, परिवारवाद को, भ्रष्टाचार को, तुष्टीकरण को धत्ता दिखाते हुए राजनीति की संस्कृति बदल दी और विकासवाद के आधार पर भारत को खड़ा करने का काम किया है, तो नरेंद्र मोदी जी ने इस काम को पकड़ा। और इसलिए हमारा काम है, हम अपने काम को सर्वस्पर्शी बनाएं, समावेशी बनाएं, समाज के सभी वर्गों तक उसको पहुंचाने का काम करें। हमारे को गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, आदिवासी, महिला, युवा, इन सब तक हमको पहुंचना है और इनको सशक्तिकरण करना है, इनको ताकत प्रदान करनी है, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इनके सशक्तिकरण के लिए फिर चाहे वो अंत्योदय का उन्मूलन, अंत्योदय पे गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम हो, अंतिम व्यक्ति को मजबूती देने का काम हो, सेवा संगठन के माध्यम से काम हो, राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए आतंकवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए कल्याणकारी दृष्टि से हमको आगे बढ़ना है और कल्याणकारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है। मित्रों, मैं सुबह सुबह बात कर रहा था, आज संवाददाता सम्मेलन में मैंने बीमारू राज्य बताया, कुछ ऐसे प्रदेश थे जो बीमारू थे, बीमार थे, और ये ज्यादा देर की घटना नहीं है, 90 का दशक था,
90 और 80 के दशक में भारत में जितना भी अच्छा काम होता था वो सारे आंकड़े नीचे खींचने का काम ये बीमारू राज्य करा सकते थे। और कौन था बीमारू राज्य? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, ये सब आंकड़ों को नीचे खींच करके लाते थे। आज मुझे खुशी है कि सुशासन के माध्यम से स्कीमों को इंप्लीमेंट करते हुए आज मध्य प्रदेश को हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने और शिवराज जी की सरकारों ने बीमारू राज्य से निकालकर मध्य प्रदेश को विकसित राज्य के रूप में खड़ा कर दिया है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आज हम बीमारू राज्य नहीं रहे, हम उसमें से निकल करके आ गए। आज कागजों पर स्कीम नहीं बनती है, धरती पर इंप्लीमेंट होती है और धरती पर ही उसका परीक्षण होता है। इसको भी हमको समझना है। मित्रों, जब हम गरीब कल्याण की बात करते हैं तो आपको जानकर खुशी होगी कि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या 22% थी देश में। अभी जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के आंकड़े आए हैं, भारत में गरीबी से नीचे रहने वालों की संख्या 22% से घट करके 10% पर आ गई, 12% लोग इससे निकल गए। ये भी हमको ध्यान में रखना। ये हमारा राहुल गांधी लंदन में बैठ करके बातें करता है, इस राहुल गांधी जी को पता नहीं है कि आंकड़े क्या बता रहे हैं, आंकड़े क्या बोलते हैं। 1% अति गरीबी से का आंकड़ा को 0.08% लाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज पर कैपिटा इनकम देश की जो 79,000 पर ईयर सालाना थी, 79,000, वो बढ़ करके 1,50,000 हो गई और मध्य प्रदेश की 1,24,000 सालाना हो गई है। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज मध्य प्रदेश भी पर कैपिटा इनकम में आगे बढ़ा। प्राइमरी स्कूल 70 साल में 6,37,000 बने थे और मोदी जी के 8 साल में 6,53,000 हमारे प्राइमरी स्कूल बने। ये हमारा रिकॉर्ड। हमारी साक्षरता जो 69% थी, आज बढ़ करके वो 75% पहुंच गई है, 6% का इजाफा हुआ है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पहले 7 थे, मोदी जी के जमाने में 15 हुए हैं और पहले भी जो 7 हुए थे वो अटल जी के जमाने में हुए थे, कांग्रेस के टाइम में नहीं हुए थे। ये भी हमको याद रखना चाहिए। और आज 15 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खुल रहे हैं, उस पर काम चल रहा है। 170 से 180 मेडिकल कॉलेज नए बने हैं और मध्य प्रदेश में 17 मेडिकल कॉलेज का अप्रूवल मिला है। मैं मध्य प्रदेश की सरकार को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया है। और मध्य प्रदेश ने इंजीनियरिंग और मेडिकल के एजुकेशन की पढ़ाई हिंदी में हो, इसमें पहल की है जो मध्य प्रदेश ने की है। यह भी हमको ध्यान रखना है। मित्रों, ये हिंदी में पढ़ाई होना ये छोटी घटना मत समझना, ये भारत के साक्षरता और शिक्षा को बदल डालेगा। अब सिर्फ कॉन्वेंट के स्कूल का पढ़ा हुआ व्यक्ति मेडिकल का डॉक्टर नहीं बनेगा, अब गांव से आने वाला व्यक्ति भी, जो गांव का रहने वाला होगा, वो अभी MBBS की डिग्री लेकर के डॉक्टर बनकर के आपकी गांव की सेवा के लिए तैयार हो जाएगा। यह अंतर आने वाला है। मित्रों, अगर हम GDP की बात करें तो 112.33 लाख करोड़ रुपए पहुंचा था, जो आज बढ़कर के 232 लाख करोड़ पहुंच गया है। हमारी जो इकोनॉमी है वो $3 trillion की इकोनॉमी बन गई है, $3 trillion की इकोनॉमी। और प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि यह इकोनॉमी $5 trillion तक पहुंचाना है और यह लक्ष्य हमारा है। मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, इंडस्ट्रीज आ रहे हैं, शिवराज जी इसमें काम में लगे हैं। हम $5 trillion की इकोनॉमी बनाएंगे, इस बात को भी हमको ध्यान में रखना। मित्रों, आजादी के 70 साल में हमने क्या देखा था? पहले क्या देखा? हमने देखा था पक्के मकान नहीं है, गांव में बिजली नहीं है, हमने देखा था गैस के हमारे बैंक के खाते नहीं है, गैस का कनेक्शन नहीं है और आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं है। यानी भारत का
गांव का रहने वाला व्यक्ति का सशक्तिकरण करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया और यहाँ शिवराज सिंह जी ने उनके आशीर्वाद से इस बीड़ा को उठाया है। मैं बधाई देना चाहता हूँ यहाँ की सरकार को जिन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबको समान अवसर, सब सकुशल रहें और खुशहाल रहें, सबके पास घर हो, सबके पास बिजली पहुंचे, सबके घर में गैस का चूल्हा हो, सबके घर में शौचालय हो और सबके पास हेल्थ का कार्ड हो, यह सपना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने साकार करने का तय किया और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया। जब मैं ये बात आपसे करता हूँ और उज्ज्वला योजना की चर्चा करता हूँ तो उज्ज्वला योजना सिर्फ गैस नहीं है, उज्ज्वला योजना महिलाओं के फेफड़े में होने वाली बीमारी से बचने का बहुत बड़ा उपाय है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। एक महिला लकड़ी के चूल्हे के बगल में बैठकर भोजन बनाना, दिन में वो 200 सिगरेट के बराबर का धुआं अपने छाती पर लेती थी, अपने फेफड़ों में लेती थी, आज इससे उसको निजात मिल गया। ये शौचालय 11 करोड़ शौचालय बनना, हमारे बहुत से पढ़े लिखे नौजवान इंटेलेक्चुअल और खास करके जो इकोनॉमी की चर्चा करते हैं वो कहते हैं यस 11 करोड़, यस यस इट इज ए वेरी गुड एफर्ट, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। उनको मालूम नहीं है कि 70 साल की आजादी के बाद भी 11 करोड़ बहनें अपने दैनिक नृत्य के लिए अपनी इज्जत और डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज करके खेतों में जाया करती थी, उनको इज्जत की जिंदगी दी तो नरेंद्र मोदी ने दी है, इस बात को हमको समझना चाहिए। और ये छोटी घटना नहीं है, 11 करोड़ बहनों के 11 करोड़ बच्चे भी थे, खेतों में दौड़ते थे। आज 6 लाख गांव ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुका है, सबके घरों में शौचालय बन गए हैं, इज्जत घर बन गया है। इसलिए महिलाओं का सशक्तिकरण करने का ये कितना बड़ा योगदान है इसको भी हमको समझना चाहिए। आपके यहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सेक्स रेशियो आपके यहाँ 908 था, आज बढ़ करके वो 956 हो गया है, देश में 1000 था वो 1020 हो गया है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और उसी तरीके से मित्रों, आप लोगों को बहुत कम लोगों को मालूम होगा, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आपको मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि गांव में गरीबी को कितना देख पाते मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज भारत सरकार ने और शिवराज जी की सरकार ने यह सुव्यवस्था कर दी है कि जिस दिन भी कोई महिला गर्भवती होगी उस दिन से लेकर जितने भी उसको चेकअप होगा और उसको जो इंजेक्शन लगेंगे और उसकी जो डिलीवरी होगी और वो इंस्टीट्यूशन में डिलीवरी होगी उसको ट्रांसपोर्ट करने का जिम्मा भी सरकार का होगा और सरकार के द्वारा उसकी उसका डिलीवरी भी होगी और डिलीवरी के बाद घर छोड़ने का जिम्मा भी भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार लेती है। यह आज गर्भवती होने से लेकर के बच्चे के पैदा होने तक और बच्चे के पैदा होने से लेकर के 5 साल तक उसको 14 किस्म के टीके लगे, इसकी सुव्यवस्था भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने की। यह है स्वास्थ्य का बदलता हुआ एक तेवर, एक चर्चा जिसको हमको समझना चाहिए। नारी तू नारायणी के तहत विमेन का एम्पावरमेंट और उसके साथ साथ उनको हर तरीके से आर्थिक दृष्टि से मदद करने का काम, मुद्रा योजना, हमारा स्वच्छ अभियान, ये सारे अभियान जितने भी चले हैं, मातृवंदना कार्यक्रम, इसके तहत जो मैंने आपको बताया कि फ्री डिलीवरी लेकर के 2,58,00,000 महीने इसमें से बेनिफिट हो चुकी है, ये मैं मध्य प्रदेश के आंकड़े आपको बता रहा हूँ, ये मैं मध्य प्रदेश के आंकड़े बता रहा हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना में आज लगभग 3,47,000 पक्के मकान, 3,47,00,000 पक्के मकान बन गए। मैं भी 90 में MLA हुआ करता, मैं भी उस समय की इंदिरा आवास योजना को जानता था, मेरा BDO, यहां भी BDO बोलते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, मेरा BDO MLA होते के हैसियत से मेरे पास आया करता था और कहता था साहब जी आप अपने एक पंचायत में 2 घर बना दो जो इंदिरा आवास योजना में हम उनको 40,000 रुपए दे दें, 2 घर, यानी साल भर में 1 लाख भी क्रॉस नहीं होता था इंदिरा आवास योजना में। आज मोदी जी ने प्रण लिया 3,47,00,000 घर बन गए हैं
और आने वाले 2024 तक कोई भी पक्के मकान के बगैर नहीं रहेगा, इस तरीके का संकल्प लेकर के हम चले। और मध्य प्रदेश में भी लगभग 30 लाख बन गए हैं और 40 लाख का अप्रूव को अप्रूव कर दिया है। यह भी काम यहां पर हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना की मैंने चर्चा की, एग्रीकल्चर की मैं चर्चा करना चाहूंगा। फॉरेन सबसे पहली बात तो इकोनॉमी की करना चाहूंगा। $5,000 बिलियन का भारत ने निर्यात किया है, एक्सपोर्ट किया है। भारत पहले लेने वाला देश था, आज देने वाला देश हो गया, मेजर एक्सपोर्टर बन गया है भारत, वो भी हमको समझना चाहिए। जीएसटी कलेक्शन हमारा एक क्वार्टर का 1,67,000 करोड़ तक पहुंच गया है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 2014 में 142 स्थान पर खड़े थे और आज हम 63 स्थान पर खड़े हैं। 2020 के बाद आंकड़े नहीं आए हैं, 2020 के बाद 21 और 22 के आंकड़े लेंगे तो हम कहीं और आगे बढ़ चुके हैं, ये हमको ध्यान रखना है। मित्रों, कांग्रेस का हाल सुना देता हूं आज। गांधी और खादी, इसको लेकर के कांग्रेस ढोल पीटती रही 70 साल, कोई काम नहीं किया। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि भारत सरकार ने खादी में पिछले महीने 1,15,000 करोड़ का टर्नओवर किया है और आज खादी फास्टेस्ट मूविंग कंज्यूमर गुड भारत का बन गया है। ये खादी में परिवर्तन हुआ है, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, मैं ऐसी आपको अनगिनत बातें बता सकता हूं, विकास के दृष्टि से किस तरीके का काम हुआ है। ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, 80 करोड़ की जनता को 5 लाख गेहूं, 5 किलो गेहूं देना या 5 किलो अनाज देना या 1 किलो दाल देना, इसकी सराहना सिर्फ भारत में नहीं हुई है, इसकी सराहना अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर हुई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, यूएन जनरल असेंबली, सबने कहा कि मोदी जी से सीखो। उन्होंने कोरोना में हेल्थ को ही एड्रेस नहीं किया, हेल्थ के साथ साथ इकोनॉमिक आर्थिक विषयों को भी उन्होंने एड्रेस किया। ये उन्होंने उसमें से हम लोगों को कहा है, उसको हमको समझना चाहिए। आज भारत स्टार्टअप में एक नई उछाल ले रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम बढ़ करके आज जहां 23,000 करोड़ रुपए का बजट था, आज 1,24,000 करोड़ रुपए का बजट बन गया। कभी आपने सोचा था कि मजदूर और किसान पेंशन लेगा? कभी आपने सोचा था कि मजदूर किसान को पेंशन तो मिलेगी, कोई आदमी 2 लाख का और 1 लाख का सुरक्षा कवच लेगा? आज प्रधानमंत्री गरीब प्रधानमंत्री के जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, वो सारी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स इसी बेनिफिशियरी उनको बेनिफिट देने का काम कर रही है, इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हमने जैसे किसान सम्मान निधि की बात की, शिवराज जी भी पीछे नहीं रहे, इन्होंने भी साल का 2,000 रुपये देना तय किया है। यानी मोदी जी का 6,000 रुपये और शिवराज जी का 4,000 रुपये, 10,000 रुपये किसान सम्मान निधि में जा रहा है, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं साधुवाद दूंगा मध्य प्रदेश की सरकार को, जिन्होंने किसान का दर्द समझा, मर्म समझा और उसको आगे बढ़ाने का काम किया। जो मैं सोशल स्कीम्स की बात कर रहा था, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, ये सारी योजनाएं इसी तरफ आगे बढ़ने का काम कर रही हैं, ये मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूँ। मित्रों, मैं एक ही बात आपको कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने तय किया है कि हम लगभग 100 घंटे 10 दिन में लगाएंगे, 10-10 घंटे लगाएंगे 10 दिन। वैसे तो 75 है क्योंकि हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता हमारे टारगेट से हमेशा आगे बढ़ते हैं। उन्होंने जोश में आकर के हमारे को, हमारे अध्यक्ष जी विष्णुदत्त जी ने और शिवराज जी ने कहा क्या 75 घंटे काम करेंगे, हम 100 घंटे काम करेंगे, 10 दिन 10 घंटे काम करके समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में जाकर के इस काम को आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, मैं आपको इसके लिए साधुवाद भी देता हूं। आप इस काम को आगे बढ़ाइए, महिलाओं में जाइए, महिलाओं की स्कीम्स बताइए, युवाओं में जाइए, युवाओं को बताइए स्टार्टअप क्या है, मुद्रा योजना क्या है, दलितों में जाइए बताइए पंचकीर्ति के रूप में क्या क्या काम हुआ है, आदिवासियों में जाइए बताइए कि उनके लिए गौरव गान की दृष्टि से गौरव आदिवासी दिवस मनाने का काम भोपाल की नगरी पर भगवान बिरसा मुंडा का किया तो वो भी मोदी जी की सरकार ने किया और शिवराज जी ने उस कार्यक्रम को यहाँ उसको रूप दिया है। आप जाइए महिलाओं को बताइए स्वच्छता अभियान का अर्थ क्या है,
इज्जत घर का अर्थ क्या है, उज्ज्वला का अर्थ क्या है, उजाला का अर्थ क्या है, सौभाग्य योजना का अर्थ क्या है, ये सब बातें हमको बतानी होगी, उनको आगे लाना होगा। आप युवाओं को बताइए कि ये जो नए एम्स बन रहे हैं, जाके इसको देखें किस तरीके की ये बिल्डिंग बन रही है, मोस्ट मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ ये हॉस्पिटल बन रहे हैं। ये कोशिश है मित्रों, मेरा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग इस कार्यक्रम को अच्छे से आगे बढ़ाएंगे और आठ साल बेमिसाल, आठ साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को आप सही मायने में लेटर और स्पिरिट में मन से तन से पूरी ताकत से नीचे जमीन पर पहुंचाएंगे और लाभार्थियों से मिलकर के इसको इस कार्यक्रम को लास्ट माइल डिलीवरी में अपना योगदान करेंगे, ऐसी मैं आशा लेता हूं। मैं आपके बीच में ज़्यादा समय न लेता हुआ पुनः आपको बधाई देता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी ही है जिसकी बैठक अगर ये होती है तो उसकी सभा कैसी होगी इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर हमारी बैठक पूरे मध्य प्रदेश की ये का रूप ये है तो सभा कैसी होगी हमको समझ में आता है। मित्रों आप पूरी ताकत से बढ़े रहिए, मैं लंबे समय तक आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ता रहा, आज आपके साथ साथ दर्शन करने का मौका मिला है, मैं सच में अभिभूत हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय मध्य प्रदेश। बहुत धन्यवाद श्रद्धेय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपका पाठे हम सबका मार्ग प्रदर्शन प्रशस्त करेगा। मैं